जो भी हमारे अतिथि जूम पे आए हैं, जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, ओपो विपो, कई सारे लोगों को रिमूव किया जाता है। बाद में आपको पता चलता होगा, उनके फोन आते होंगे, यार हमने तो जूम ज्वाइन किया था लेकिन हमने हमें भगा दिया गया था जूम से। तो उनको ये बताना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि झूम में अगर आपको रिमूव किया जाता है तो उसका कारण क्या है। सुनील बागेल जी, आप होस्ट रहेंगे। गुड जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और आप, हम एक नया रूल बनाएंगे अभी, हमें उन्हीं डायमंड्स को होस्ट बनाना है जो अपना विंडो ऑन करते हैं, उसके अलावा किसी डायमंड को होस्ट नहीं बनाना है। ओके सर, थैंक यू। आप होस्ट इसलिए रहेंगे कि जो लोग अपना वीडियो ऑन करके गार्डन में चल रहे, बस में बैठ के ट्रैवल कर रहे, या घर पे सो के वीडियो ऑन करके बैठे, उनको ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर देना है, रिमूव नहीं करना है। एक मिनट, अभी ये अटैचमेंट क्यों नहीं आता है। ओके आगे बढ़ते हैं, आप होस्ट हैं सुनील जी। जो हमारे डेली के स्पीकर्स होते हैं और जो एक जगह पे बैठे हैं, जिनके वीडियोस ऑन है, अगर ऐसे कोई डायमंड्स आपको दिखते तो ही उनको होस्ट में ऐड करना है, अदरवाइज किसी को ऐड नहीं करना है। तो आज जो हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो सुना, उन्होंने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमें बताई है। पहला वर्ड था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। हम बार बार इन्फ्लेशन वर्ड सुनते हैं तो उसका मीनिंग है महंगाई। महंगाई हमेशा बढ़ते जाती है। उन्होंने कहा कि 30 रुपए का, 2.5 रुपए का समोसा 12 साल में 30 रुपए का हो गया। तो 12 साल में महंगाई कितनी गुना बढ़ गई? 2.5 रुपए का 30 रुपया कितना गुना हो गया? हमारे देश में बैंक 10 साल में पैसा डबल करके देता लगभग। क्या हमारे 12 साल में जो सैलरी तनख्वाह होती है, क्या इतनी गुना बढ़ सकती है जितनी महंगाई बढ़ रही है? यानी कभी कभी हमारे प्रमोशंस होते हैं, अगर हमारी सैलरी भी बढ़ती है या हमारा अपने बिजनेस में थोड़ा सा इनकम भी बढ़ता है तो उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी हम जितना कमाते उससे ज्यादा हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, स्कूल के फीस, राशन के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, मेडिकल के खर्चे, जो भी चीजें हम खरीदते हैं उनकी
महंगाई, तो हमारे इनकम से ज्यादा हमेशा हमारे खर्चे बन जाते, तो इसलिए हम जितना पैसा कमाते उतना पैसा हमारे बजट के बाहर हो जाता है हमेशा, और फिर हमारे पास सेविंग्स बचते नहीं है, हम री इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते। तो 90% लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में होने का एक ही कारण है, वो उनकी मजबूरी है, उनको रोजमर्रा की जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए जो पैसा चाहिए उतना ही पैसा आता है। दुनिया में हर कोई ही इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेगा, सेविंग्स करना चाहेगा, लेकिन कर नहीं पाते। अब उसका अल्टरनेट सोर्स क्या है? उसका अल्टरनेट सोर्स है कि अपने इनकम को बढ़ाना, और कोई सोर्स नहीं दुनिया के अंदर उसका। एक बार अक्षय कुमार को एक पत्रकार ने पूछा कि आप इतने मूवीज करते हो पूरे साल भर के अंदर, सुबह 4 बजे उठते हो, रात को 9 बजे सोते हो, कोई पार्टी शार्टी में जाते नहीं हो, दुनिया से कोई आपको लेना देना नहीं है, और पूरे साल भर में 4-4 मूवीज बनाते हो, बाकी हीरोज को पूरे साल भर में एक मूवी करने को समय नहीं मिलता है, तो आप इतना पैसा कमाते हो, आपकी मूवी 100, 200, 300 करोड़ का बिजनेस भी करती है, इतना पैसा कमाते हो, उसके बाद जब कोई चीज खरीदने जाते हो तो क्या आप बार्गेनिंग करते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि मुझे बार्गेनिंग करने की कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पैसा इतना कमाता हूं। तो बार्गेनिंग वो करते हैं जिनके लिमिटेड इनकम्स होते हैं, उनको पता है कि अगर मैं हर चीज में बार्गेनिंग करूंगा तो कुछ पैसे बचा पाऊंगा, लेकिन पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं होता दुनिया में। अमीर होता है इनकम को बढ़ाने से। तो हमारे पास जो अल्टरनेट सोर्स है, कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अभी अल्टीमा का फार्म खरीदा है, कई सारे लोगों के 6 महीने पूरे हो गए, 7 महीने पूरे हो गए, 5 महीने, 4 महीने पूरे हो गए, या आज जो भी खरीदी करेंगे लास्ट दिन है, तो और 12 महीने का हमें ऊपर वाला मौका देगा, लेकिन 12 महीने के बाद हमारे पास ये सोर्स नहीं रहेगा। अब हम एक भ्रम में रहेंगे कि चलो ठीक है, अगले 12 महीने तो कुछ ना कुछ आता रहेगा, और वो 12 महीने को अगर हमने सीरियस नहीं लिया तो 12 महीने के बाद वो भी इनकम हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वो 12 महीने के अंदर आपने इस फार्म के साथ साथ ये देख लिया, मैंने भी प्रोडक्ट बाय किया है, मेरे अपने ने भी प्रोडक्ट बाय किया है, मेरे दोस्त ने भी प्रोडक्ट बाय किया है, उनका लाखों रुपए का मंथली एक अलग और इनकम है, क्या वो मेरा आ सकता है? अगर ये सोच हमने बना ली तो वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, और आपने इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होके काम करना स्टार्ट कर दिया तो आज से 12 महीने बाद जहां आपका फार्म खत्म होने वाला है, आपका पैसिव इनकम खत्म होने वाला है, वहां पे आपके पास लाखों रुपए का एक्टिव इनकम होगा, और वो पूरे जिंदगी भर के लिए होगा। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है कि इसके ऊपर आपकी अगली पीढ़ी बैठ के खाने वाली है, ये 12 महीने का फार्म नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री 70 साल से चल रही है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे जो आज से 60 साल पहले शुरू हुई है, तीसरी पीढ़ी है उसके ऊपर काम कर रही है, कई लीडर्स की थर्ड जनरेशन। तो हमें इस भ्रम से बाहर निकलना है कि अगले 12 महीने के लिए हमने इस प्रोडक्ट को खरीदा है। ये कोई दवाई का प्रोडक्ट नहीं है, मेडिकल से उठा के लाया, घर पे रख दिया, उसकी एक्सपायरी डेट है, उसके बाद उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो आपने प्रोडक्ट बाय किया, प्रोडक्ट का लिमिटेशन है लेकिन अपॉर्चुनिटी का लिमिटेशन नहीं है। तो हम सबको एज ए एक्टिव पार्टनर इस प्लेटफॉर्म को बहुत सीरियस लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे मन में एक डर होता है कि हम लोगों से बात करेंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग मना करेंगे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, जिसके डर की वजह से हम लोगों को रिकमेंड करना नहीं चाहते। अब उसके लिए अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आए और हमें इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है तो हमें एजुकेशन का पार्ट बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो काम कभी जिंदगी में किया ही नहीं है वो काम अगर हमको करना पड़ रहा है तो हमारे लिए नया है। अगर किसी ने स्विमिंग की ही नहीं और वो डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जाएंगे तो पहले तो 0.5 लीटर पानी पी लेंगे। कोई अगर बाइक पे बैठा है नहीं या साइकिल पे बैठा है और पहली बार बैठेंगे तो हड्डी तो टूटेगी, खून तो निकलेगा, शुरुआत वहीं से होनी है। तो यहाँ पे जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आपके पास सेल्स का नॉलेज नहीं, आपके पास स्किल नहीं, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो लोग तो आपके ऊपर हंसेंगे।
अब हम सबको तो पता है मार्केट के जो कॉमन डायलॉग्स होते क्या होते हैं। अगर आप बहुत सारे बच्चे हैं 18, 19, 20, 22 साल के होते, सर हमने तो ज्वाइन कर लिया, हमें काम भी करना है, जब किसी के पास जाते तो लोग हमें ताने मारते। अब एक 20 साल का बच्चा अगर किसी 40-50 साल के इंसान के पास जाता है, तो जब वो बच्चा उसको प्लान समझाता है या प्रोडक्ट समझाता है, तो मन ही मन में वो इंसान हंसते रहते हैं। और फिर वो प्लान खत्म होता है, उसके बाद वो 40-45-50 साल का इंसान बोलते हैं, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, हमने तुमसे ज्यादा दिन देख लिए। तो ये सब काम उन लोगों का है जो निकम्मे हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। तुम कहां फंसे हो, जाके कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो। तो बहाना बनाने का जो एक जरिया होता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में होता है। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन होता है कि हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको सक्सेस होना है तो हमेशा आपको एजुकेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। जहां पे भी आपके अप्लायंस ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, ओपन सेमिनार्स कर रहे हैं, आपको उस हर मीटिंग को अटेंड करना है। पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको यहां से कोई इनकम आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके ऊपर नहीं जाना है। पहले 2-3 महीना आपको सारे अप्लायंस को बार बार सुनना है, ओपन मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, प्रोडक्ट को पूरा का पूरा समझना है। फिर धीरे धीरे आपको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए अगले 5 साल, अगले 10 साल, उससे भी ज्यादा समय के लिए काम करना है। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रोडक्ट आएंगे, हर प्रोडक्ट को आपको बाय करना है। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक आप किसी को विश्वास नहीं दे सकते। आप कोई भी अमाउंट से बाय कर सकते हैं। जैसे 1 तारीख के बाद यानी कल के बाद हमारे पास नया प्रोडक्ट आएगा, तो हम सबको उस प्रोडक्ट को आग बंद करके खरीदना है अगर आप अपना करियर इस प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है वो प्रोडक्ट आप बेच नहीं सकते। और आज सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का दिन जो हमारे जिंदगी के अंदर ये सोल गोल्डन वर्ड्स में लिखा जा सकता है, अल्टीमा का फार्म आज रात को 12 बजे हमारे टाइम के हिसाब से सुबह के 4 बजे क्लोज होने वाला है, क्योंकि क्लोजिंग जर्मनी के टाइम के हिसाब से होती है। तो आज सुबह यानी कल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे तक हम इस प्लेटफॉर्म पे इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, और ये हमारे जिंदगी का सबसे आखिरी मौका होगा इस प्रोडक्ट को बाय करना। तो हम सबको ये भी देखना है कि पिछला जो फार्म हमने खरीदा है वो कब खरीदा है, कितने महीने हो चुके और कितने महीने के बाद वो एक्सपायरी डेट पे जाने वाला। अगर आज हम सब ने जो भी कमीशन जनरेट किया है या जो भी मिंटिंग आ गया है उसमें एक एक फार्म भी खरीद लिया कोई भी एक अमाउंट का, या हमने सबने अपनी कम्युनिटी को मैसेज दे दिया, जैसे कल डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारे पास 2.25 लाख लोग हैं, और हर किसी को आपने अपनी कम्युनिटी को ही कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये लास्ट मौका है तुम्हारे पास और 1 साल जिंदा रहने का, और आपके पास जो मिंटिंग आ गया है उसको आप रीइन्वेस्ट कर सकते हो। जो लीडर्स है जिनके पास कमीशन आ गया है या आज 12 बजे तक कमीशन आने वाला है, उसको रीइन्वेस्ट करके अपने फार्म के साइज को बढ़ा सकते हैं। आपने आज अपना फार्म बढ़ा दिया, अगले महीने जो कमीशन जनरेट होगा उससे उसको फुल भी कर सकते हैं, या अगला जो मिंटिंग आएगा उससे उसको फुल कर सकते हैं। आज से अगले 12 महीने आपका एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होने वाला है। नेक्स्ट मंथ यानी कल के बाद जो नया प्रोडक्ट आएगा, फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करके वहां से रिवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, और उसको भी बाय करके उस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन भी हम देख सकते हैं कि इससे हमें क्या रिटर्न्स मिलने वाले, ताकि हम हर किसी को कल के बाद दिखा सकते हैं, देखो ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है। आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे है और आपके पास कल से जो नया प्रोडक्ट आएगा वो नहीं होगा, तो आपका अंदर से आवाज नहीं आएगा जब आप किसी को प्रोडक्ट का कैलकुलेशन समझाएंगे। तो वो प्रोडक्ट को भी जल्द से जल्द आपको बाय करना है, और आज का दिन, आज का मौका गंवाना नहीं है। मैक्सिमम लोगों को कॉलिंग करके, जितनी टीम आपकी 100, 200, 500, 1000 लोगों की है, आपके टॉप एक्टिव सारे लीडर्स को बोल दो कि आप अपने टीम के अंदर 50-50 लोगों को, 100-100 लोगों को कॉल कर सकते। सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करना है, उनके वॉलेट के अंदर कॉइन है वहां से उसको स्कैन करके प्रोडक्ट बाय करना है।
इतना ही काम करना है, तो उससे बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा, बहुत सारे लीडर्स के रैंक्स क्वालिफाई हो जाएंगे। आप नए किसी इंसान के पास सुबह से शाम तक घूमोगे कोई गारंटी नहीं, वो बोलेगा सोच के बताऊंगा। यानी आज का दिन मार्केट में वो क्या बोलते हो, तुक्का मारने का नहीं है कि चलो जाके किसी को प्रोडक्ट समझा देता हूं पेन और पेपर लेके, आपको वो डायलॉग मिलेगा सोच के बताऊंगा। लेकिन अगर आपने किसी को कॉल कर लिया और वो बोलते कि नहीं मेरे को तो खरीदने आप आ जाओ, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपने पूरे टीम को कॉलिंग करना स्टार्ट किया सुबह से शाम तक घर में बैठ के, आज चाय पकौड़े खाने का दिन है पूरा समझ लो, कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठना है और पूरा दिन भर टीवी को बंद करके फोन पे लग जाना है। और मैक्सिमम उन्हीं लोगों को फोन करना है जिन्होंने ऑलरेडी फार्म खरीदा है, जिनका मिंटिंग हो रहा है। सर ये लास्ट मौका है, आपके पास जो कॉइन अगर आपके वॉलेट में है उससे आप एक फार्म खरीद लो और एक साल आपके पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सकता है। तो बहुत बड़ा टर्नओवर इसी कम्युनिटी से आने वाला है, जो टर्नओवर शायद आज नए लोगों को प्लान देने से नहीं आने वाला है। तो कोशिश यही करो कि उन लोगों के पास पहुंचो जो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है। अगर किसी को आप प्लान देने के लिए जा रहे तो शायद आपको रिजल्ट नहीं आएगा, उससे अच्छा उतनी मेहनत आप पूरे टीम के ऊपर करोगे तो शायद आपके 10-20 फार्म नए अपडेट हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कल का टॉपिक था, हमारे बीच में जितने भी लीडर्स कल बोल नहीं पाए, जिनको समय नहीं मिला, वो सारे लीडर्स हैंड रेस करें। अभी जिन्होंने भी हैंड रेस किया है वो अपना हैंड डाउन करें। अगर आपको नहीं पता है कि हैंड डाउन कैसे किया जाता है तो फिर आपको यहां से रिमूव किया जाएगा। जूम के ऊपर आने के बाद हर चीज को आपको सिस्टम के साथ फॉलो करना है। जब तक ये जूम के ऊपर 1000 लोग अपना विंडो ओपन करके ईमानदारी से टैब लैपटॉप लेके घर पे नहीं बैठेंगे और 2 घंटा डेली उसको नहीं सुनेंगे, तब तक हम इस जूम को 1000 लोगों पे ही रखने वाले। जिस दिन 1000 लोग इस जूम के ऊपर सुबह के सेशन में होंगे और हर एक लीडर के सामने ब्रांड नेम होगा डायमंड, तब हम जाएंगे वेबिनार में। तब तक वेबिनार में नहीं जाएंगे। यानी हमें सिर्फ 1000 लोग चाहिए जो इस प्लेटफॉर्म पे डेली सुबह आते, अपना ईमानदारी से लैपटॉप ओपन करते, टैब ओपन करते, आईपैड ओपन करते हैं, सही जगह पे बैठते हैं और वो डायमंड बनना चाहते हैं। तो अगले 6 महीने के अंदर, अगले 1 साल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कितने लोग डायमंड है, कितने लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया, कितने लोग काम करना चाहते हो, कोई मायने नहीं रखता है। जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कंटिन्यूअसली आगे नहीं बढ़ने वाले। आप बढ़ गए आगे, वो गलती से बढ़ गए, लक बाय चांस बढ़ गए, वो आपका भ्रम है। अगर आप किसी भी रैंक पे पहुंचे हो तो भ्रम टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। दुनिया में सबसे ज्यादा घमंड किसके पास था? रावण के पास था। रामायण सबने पढ़ी है। तो आप कोई भी रैंक पे हो तो ये आपका भ्रम है। ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। आप अगर इस बिजनेस को सही सिस्टम से नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके नेटवर्क में सैचुरेशन कब आएगा। हमेशा नए लीडर्स ग्रो होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है, कल हमने जो वीडियो देखा था कि हम इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं है तब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस नहीं होने वाले। तो हर किसी से कोई ना कोई एक मैसेज मिल सकता है जिसे हम सीख सकते हैं। कल जितने भी लीडर्स ने स्पीच किया है हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और हमें सारे लीडर्स से बात करनी है क्योंकि हर किसी से हमें सीखना है, हर किसी को मौका देना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जितने ज्यादा लोग प्रोफेसर बनेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उतनी ज्यादा हम कम्युनिटी की मदद कर पाएंगे। तो हर किसी की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके टीम में कोई है नहीं है आपको ये नहीं देखना है, लेकिन आपको मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लीड करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, एक ब्रांड बनने का। आपके नेटवर्क में 50 लोग है या 10 लोग है या 100 लोग है, लेकिन जब आप 1000 लोगों के सामने आके बार बार बोलते हो तो एक आप ब्रांड बन जाते हो और आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। तो ये मौके का फायदा उठाना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं।
प्रवीण कुमार जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अच्छा सुनील जी मैं ओके फिर से दोबारा होस्ट बनना पड़ेगा। प्रवीण कुमार एक मिनट, सबसे पहला मौका उनको देंगे। कौन लोग कौन लीडर से अपना मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन क्यों किया है, क्यों का मतलब आपका वाई क्लियर है, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या अचीव करना है उसके बारे में आपको एक मिनट दो मिनट बात करनी है, उससे ज्यादा बात नहीं करनी है। आपके पर्सनल लेवल पे आपको बात करनी है। बहुत बार क्या होता है इपिक टीम मीनाक्षी मैम को हम सबसे पहले सुनेंगे। चलो मीनाक्षी मैम आपका स्वागत है मॉर्निंग के सेशन में। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग अल्टिमा पार्टनर्स, थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। टॉपिक जो हमारा है आज का, हमने इस प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन किया है, या चलो गलती से ज्वाइन तो कर लिया, लालच में ज्वाइन तो कर लिया, किसी ने बोला इतने पैसे लगाओ इतने मिल जाएंगे, आ तो गए लेकिन आने के बाद फिर बाद में धीरे धीरे सिस्टम समझ में आ गया और वाई क्लियर हो गया और हम आगे बढ़ गए। सर माय वॉइस इज ऑलवेज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, क्योंकि मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ एडमिन अर्लियर, मैं डेलॉयट में भी वर्किंग थी, बेस्ट एमएनसीज के साथ काम किया है, बट ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसी अपॉर्चुनिटी सर मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखी। हमारे बिजनेस है करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बट इतनी बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी सर वहां पे भी नहीं है, चाहे वो बिजनेस पुराना 20 साल का है। सर ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अगले 5 साल लगातार काम करके जिंदगी भर बैठ के कमा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए अर्न कर सकते हैं। सो सर मेरा वाई बहुत क्लियर है, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव ऑल द लग्जरीज, आई वॉन्ट माई किड्स टू गो आउट फॉर मैक्सिमम स्टडीज। तो सर उस सब के लिए पैसा चाहिए, और पैसे कमाने की बात है सर वो यहाँ से बहुत अच्छा आता है। हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसे कितना जनरेट करना चाहते हैं। सो सर ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको नेम और फेम दोनों देता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करता है। सर मुझे लगता है अगर आज के बच्चे यहाँ पे 2 साल काम करते हैं आफ्टर दिस स्कूलिंग, सर उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे जो शायद वो कहीं पे करके भी नहीं सीख सकते। तो सर मुझे लगता है एवरी वन शुड ज्वाइन हेयर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जब इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ यू हैव अ गुड पब्लिक डीलिंग स्किल्स, और इफ यू नो द वैल्यू ऑफ मनी, इफ यू नो डोर टू डोर यू नो थिंग्स, कि जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं एग्जैक्टली क्या सिनेरियोज है मार्केट का, तो सर जो हम ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो कुछ अलग ही होती है जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। सो सर माय वाई इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम डे वन। और जहां तक फार्म की बात रही सर, कल ही 2 क्वाइन का फार्म अपडेट किया है, फिल नहीं किया बट ऑटोमेटिकली आई विल डू इट। सो सर दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर आई हैव सीन, and this and really really a big thanks to you because you are the best person among the industry, because sir itni senior position pe itna regular aana, sabko itna motivate karna, sabko encourage karna sir ye bahut zaruri hai, nahi to hum log wahi hai ki itna paisa to aa gaya don mein bhi chale jate hain kai bari, but jab hum aapko sunte to fir yaad aata hai aur fir lagta hai ki nahi isse zyada better karna hai sir, and really you are the source of our strength. थैंक यू वेरी मच मैम। आपने एक बहुत ही पावरफुल लाइन बीच में बोली है कि मैंने कल 2 अल्टिमा का फॉर्म लिया है, उसको फिलअप नहीं किया है। आज हमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आज हमारे पास लास्ट मौका है, हम कितना बड़ा फॉर्म खरीद सकते हैं। आपके पास स्टेकिंग करने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अगले 12 महीने रहने वाले, लेकिन आज लास्ट डे है। अगर हमारे पास
एक क्वांटिटी है कॉइन की या हमारे पास यूएसडीटी है, तो हम जितना ज्यादा फार्म खरीद सकते हैं उतना बड़ा फार्म खरीदना है। क्योंकि आज आपके पास जो आपने फार्म खरीदा, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिससे जो आपको मिंट होके कॉइन आ रहा है, वो तो अगले कुछ महीने आने वाला, जितने महीने बचे हैं जी। लेकिन ये मौका कल के बाद आपको नहीं मिलने वाला है, जो अगले 12 महीने तक आपको रेगुलर इनकम दे सकता है, कॉइन को प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो हम सबको सिर्फ और सिर्फ फार्म खरीदने पे ही फोकस करना है। आपको मौका मिलेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, आपके पास सेविंग कहां से आएगा उसके लिए उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे कल के बाद काम भी करेंगे तो भी आप रिवेन्यू जनरेट करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फुल कर सकते हैं। आज बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6-7 महीने के अंदर उन्होंने जितना कमीशन आता गया उसको रीइन्वेस्ट करते गए, आज उनका करंट रेट के हिसाब से भी लाखों रुपए का खाली मिंटिंग का पेआउट जनरेट होता है, लाखों रुपए का। मतलब कुछ काम नहीं करेंगे तो भी वो लाखों रुपए घर बैठ के बना सकते हैं, और वो ताकत है कंपाउंडिंग की और फार्म की। यानी अगले 12 महीने कुछ हजार रुपए, कुछ लाख रुपए आप कमाना चाहते तो ये मौका हम सबके पास है, इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। तो नेक्स्ट स्पीकर हमारे बीच में असलम खाटिक जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए? सो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर यहाँ पे आज जो आया हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं भी 6-7 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, और थैंक्स बोलना चाहूंगा सर आपको कि आपने यहाँ मुझे मौका दिया। मैं जब शुरुआत में जब नेटवर्किंग स्टार्ट की थी तो मुझे नेटवर्क का कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं एक बिजनेस पर्सन था और बिजनेस के अलावा कुछ नहीं जानता था। और यहाँ पे एक गोल लेके आया हूँ, एक सपना लेके आया हूँ कि मुझे डायमंड अचीव करना है, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था वहां पे भी मेरा गोल था कि मैं वहां प्रेसिडेंट टीम बनूं, मगर वहां पे मैं गेट टीम के लिए 3 बार धक्के खा के पीछे हुआ था, और कहीं ना कहीं वहां मेरा गोल पूरा नहीं हुआ। सर थैंक कहना चाहूंगा, आज जो मेरी रैंक आप देख पा रहे हो, ये रैंक जो अचीव हुई है, ये कहीं ना कहीं आप सारे लीडरों के, मेरे स्पॉन्सर अपलाइंस और आप लोगों की, ये रेगुलर मैं जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ 7 महीने से, और यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है और खुद को अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है। 11,000 से शुरुआत की थी, आज टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट 17 लाख रुपया है, और उस 11,000 से मैं 17 लाख रुपया इस फॉर्म की मदद से ही कर पाया हूँ। मैं किसी चीज के, मेरा खुद का पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि मैंने मेहनत की और आप लोगों से सीखा, और लीडरों से, पुरानी लीडरशिप से भी मैंने सीखा था, और यहाँ प्लेटिन में आने के बाद में भी लीडरों से सीखा कि आपको ग्रोथ अगर करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिफंड करना पड़ेगा। ज्यादा लोगों को हम जितना परचेस करवाएंगे या लोगों, नई कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, आज 200 लोगों से भी ज्यादा मेरी टीम है, और इस टीम के माध्यम से मैंने अपना कल ही अपना रूबी कंप्लीट किया है, और ये रूबी कंप्लीट होने के बाद ये अचीवमेंट मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरा गोल, मेरा सपना है कि मेरा डायमंड कंप्लीट हो, और उसमें सिर्फ डायमंड कंप्लीट करना भी सपना नहीं है, लोगों को मदद करते हुए आगे जाना है, क्योंकि इन्वेस्टर को लाके छोड़ देना और उसके पीछे हमें ये लगाना, उससे बेटर है कि हमें एक टीम बिल्ड करनी चाहिए। आज मेरे नीचे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग लोगों को गाइड के माध्यम से, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा यहाँ से, आज का जो दिन बचा हुआ है ना, अनबिलेबल, हम जितने ज्यादा लोगों को आज मदद कर पाएंगे उतना आगे आने वाला हमें रिन्यू जनरेट होने वाला है, और हमें आगे बढ़ने में मौका देने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने मुझे यह बोलने का मौका दिया और आपने मुझे इस लायक समझा, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई आपके रूबी रैंक पे, आपको और आपकी पूरी टीम को। यस सर। नेक्स्ट हमारे बीच में अभिनव मित्रा जी, आपका स्वागत है, आपने इस प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन किया, यानी आपका व्हाई? अभिनव मित्रा जी आपको आवाज आ रही है? आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। शायद नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, फिर से दोबारा वो ज्वाइन करेंगे तो। हमारे बीच में नेक्स्ट स्पीकर रहेंगे कैलाश भाई माली। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।
सर मैं तो इस सिस्टम में आया हूँ करीबन 4 महीने हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं प्रोडक्ट बेस में था और गुरुदेव प्रोडक्ट बेस की अगर बात की जाए तो वहाँ पे निसोड़ के वहाँ यूज होता है हम लोग का, और इस प्लेटफॉर्म आने के बाद जिंदगी बदल गई गुरुदेव। मैं कहना चाहूंगा पूरे प्लेटफॉर्म को कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बनाया है और यहाँ पे हर इंसान का सपना पूरा होता है। लोगों को सपना रात में नींद में आता था, बल्कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर खुली आंखों से सपना देखो सपना पूरा होता है। इस चीज में देखा हूँ गुरुजी, मेरा जब शुरुआत हुआ था सिर्फ 110 यूरो से मैंने शुरुआत की थी और आज करीबन मेरे पास 40 लोगों की टीम बन चुकी है और मैं सफर लेवल पूरा कर चुका हूँ। इस प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी ताकत है, जितना बोलो उतना कम है सर, ये बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। उसके बीच में मुझे कहानी याद आ गई कि एक बार एक इंसान को लॉटरी लग गई और लॉटरी लगने के बाद उसको पूछा गया कि ये लॉटरी का टिकट जो आपने खरीदा था क्या जिंदगी में पहली बार खरीदा था? उसने बोला मेरी पूरी जिंदगी निकल गई लॉटरी का टिकट खरीद के और अब मुझे लॉटरी लग गई। मेरे दुनिया के अंदर हर इंसान तब सक्सेस होता है जब किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी एक काम के ऊपर लगातार फोकस करता है। उसने पूरी जिंदगी भर लॉटरी का टिकट खरीदा तब जाके उसको लॉटरी लगी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो बोल सकता है कि मैंने कल ही लॉटरी का टिकट खरीदा, जिंदगी में पहली बार खरीदा और मुझे लॉटरी लग गई। तो हमेशा किसी भी फील्ड में आपको मास्टर बनना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में पहले से है और आपको ऊपर वाले ने आप मौका दिया है तो इसका मतलब आप ये सही समय आपके लिए, क्योंकि आप मैच्योर है इस इंडस्ट्री के लिए। सर मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं रात दिन मेहनत करता था, 2 साल रेगुलर मैंने मेहनत की है और वहां पे मैंने कभी लाखों वाला सपना नहीं देखा था और न पूरा होने वाला भी था। वहां पे हम लोगों को मेहनत करके इतना गतिर थे हम लोगों को कि रात दिन हम लोग एक करते थे। वहां पे खाना पीना छोड़ के जेब से पैसा डाल के हम घूमे, कहीं नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला था। बल्कि थैंक्स बोलना था उस प्लेटफॉर्म का, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि मैं बाकी भी इंसान वाली जिंदगी भी जी रहा हूँ। वही एक्सपीरियंस आपका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ साथ और हजारों लोगों की मदद करेगा, क्योंकि जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है और हमारे हाथ में सही प्रोडक्ट और सही कंपनी आती है तो बिल्कुल उस एक्सपीरियंस को हम इनकैश कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे बीच में अभिनव बिंद्रा जी, सॉरी अभिनव बिंद्रा जी बोल रहा हूं, अभिनव मित्रा जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अभिनव मित्रा जी गुड मॉर्निंग, आपको मैंने बहुत बड़े हस्ती के साथ अटैच कर दिया। अभिनव बिंद्रा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नाम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को और स्पेशली यस सर को, सर गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर मेरा जो वाय है वो बहुत फर्स्ट डे से क्लियर है और आपने कहा कि बहुत बड़े बंदे के साथ आपका नाम रिलेट कर दिया है। सर मेरे लिए यहाँ पे बड़े बंदे सिर्फ दो ही हैं जिनको मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, एक संजू सर और एक आप। और सर संजू सर से तो खैर मैं बहुत सीखता ही हूँ, आपसे भी बहुत सीखता हूँ आपको देख के, और आपकी मतलब बहुत इंस्पायर होता हूँ आपको देखकर सर। आपके आपकी डेडिकेशन जो है कंपनी के प्रति मतलब रियली सभी को इंस्पायर करती है। वो कोई शायद इधर उधर कहीं कोई चला जाए और लेकिन आपने जो अपनी ड्यूटी जो फिक्स कर रखी है जो निभाते हो आप उसको, वो बहुत बहुत सर। और मतलब मेरे पास आज शब्द नहीं है सर, मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे और बोलना चाहूंगा। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मैं आप लोगों के साथ सेमिनार इवेंट्स में होता हूँ, बहुत सारे लीडर्स हैं जो मुझे देखते हैं आपके साथ वहाँ पे, और उसका एक छोटा सा पार्ट आज मुझे वीडियो में देखने को मिला सर। आपने जब आज उज्ज्वल पाटनी जी का सॉन्ग चलाया था तो उसमें हमारी भी कम्युनिटी का PLC फैमिली का उन्होंने वीडियो क्लिप ऐड किया है एंड आई एम वेरी प्राउडली से कि वो वीडियो मैंने शूट किया था, क्योंकि उनके जो असिस्टेंट हैं पंकज जी, ये सारे फोटोज और वीडियोज उनको मैंने ही साथ के साथ उन्हें हैंडओवर किए थे। और आज मैंने जब वो वीडियो देखा तो आई एम फीलिंग रियली वेरी ग्लैड कि ये वो वाला पार्ट है जो अभिनव ने शूट किया था। तो और सर मेरा जो वाय है, मुझे तो उस पर बस इतना ही कहना है कि वाय का मतलब होता है क्यों, लेकिन मेरे लिए है क्यों नहीं। और सर मैंने बहुत ग्रो किया है फाइनेंशली भी और मेंटली भी, और मैं थोड़ा स्लो हूँ रैंक पे, मैं कम काम कर रहा हूँ। मैंने वो संजू सर को फॉलो कर रहा हूँ शायद इस वजह से कि वो ये कहते हैं, एक चीज सिखाते हैं कि यार रैंक तो हो जाएंगी अचीव, आप सबसे पहले ना आप अपनी एजुकेशन पे अपनी लर्निंग स्किल्स पे काम करो और फैमिली बनाओ, राइट। तो सर जैसे मैं उनके साथ जगह जगह पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सेमिनार कर रहा हूँ, नो वेरी वेल, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग जानते हैं इस चीज को। तो वो स्टेज जो मुझे मिला है
आई एम वेरी प्राउडली से, हो सकता है कुछ लोगों को जेलस फील हो, जो लोग जो तीन तीन चार चार साल पुराने हैं इस कंपनी में, उनको बस टू स्टेज नहीं मिला है, मुझे तीन चार महीने में मुझे मिल गया है. सो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली वेरी ग्लैड. और सर मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा बस, इट्स अ सजेशन, मतलब प्लीज इसको कोई अदरवाइज ना लेके जाए, मैं बस एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूँ. सर आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारे कॉइन का रेट थोड़ा सा अप होने लगता है, राइट, मतलब जैसे वो 12 पे पहुंचा 15 पे पहुंचा, तुरंत ना लोग स्क्रीनशॉट करके ना उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना शुरू कर देते हैं, देखो कॉइन का रेट बढ़ रहा है, कॉइन का रेट बढ़ रहा है. अब सर कम्युनिटी में ना कुछ लीडर भी हैं और कुछ वैसे लोग भी हैं जो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कॉइन का रेट बढ़े तो मैं सेल करूं, कॉइन का रेट बढ़े तो मैं सेल करूं. जहां लोग पॉजिटिव है ना सर, वहां पे कुछ लोग नेगेटिव भी हैं. सर हमारी जूम कॉल में आपने देखा होगा सर, जहां ब्लैक डायमंड, ट्रिपल प्लैटिन डायमंड और डायमंड और सफायर और एम्बर जैसे लोग भी हैं, तो सर सबके माइंड में कुछ ना कुछ आता है, कॉइन का प्राइस रेट बढ़ रहा है तो आप चलो सेल कर दो. सर जो ग्रुप में है, जो जूम कॉल पे आ रहा है, उसको मालूम है कि प्राइस बढ़ रहा है, आपको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करने की दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ही नोज, ही अवेयर अबाउट इट. अगर उसको पता लग गया तो उसके मन में ये कुड़बुलाहट रहेगी, यार पता नहीं आगे क्या है, आगे क्या बढ़े या ना बढ़े, अभी दोबारा बढ़ गया यार इसको बेच देता हूँ. तो आज आपने बहुत अच्छी चीज आप लोगों को सिखाई कि अगर आपके पास पॉइंट स्टेक्ड है आप फार्म खरीद सकते हो उससे, राइट, आप उसका आगे प्लान कर सकते हो. तो सर लोगों के अंदर वो हड़बड़ाहट हो जाती है, तो प्लीज मेरे सजेशन है कि अगर बढ़ रहा है वो अपने वॉलेट में देख सकते हैं, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ग्रुप में मत शेयर करें देखो बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, नहीं. आप लोगों को ठीक है, आप उनको वैसे कॉल करके बताओ जी बढ़ रहा है आप खरीदो, लेकिन आप ऐसे मत शेयर. टॉपिक के ऊपर हम और एक दिन कभी डिस्कशन करेंगे अच्छे से. जी सर थैंक यू सो मच. और बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक पॉइंट को एड ऑन किया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. और बस जाते जाते सभी के लिए एक लाइन कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा. सो कीप इट अप गाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन. हमारे नेक्स्ट स्पीकर है दिलीप गांधी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है. यस सर, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया सर, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है. और थैंक यू वेरी मच टू तिवतिया सर, संजू थॉमस सर, जिन लोगों की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे एक विजन के साथ ऐसे स्टैंड लेके खड़े हैं. चाहे हमारे कोई सीनियर रहे ना रहे, कोई डाउनलाइन रहे ना रहे, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे. ऐसा एक जुनून, एक ऐसी अपने आप में एक मौजूदगी जो क्रिएट की है सर, वो जूम मीटिंग ने क्रिएट की है. तो जूम में आने वाले सभी लोगों का मेरा दिल से शुक्रिया सर. और आज मैं सेफायर तक 4 महीने पहुंचा हूं, और आने वाले कल में जो 15 जो रैंक है वो मैं सफर में कंप्लीट करूंगा, उसकी वजह भी यही जूम मीटिंग है सर, आप लोग है. तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू वेरी मच. मेरे विजन की मैं बात करूं सर, तो मेरे बेडरूम में मैंने एक विजुअलाइजेशन चार्ट लगाया हुआ है. और पिछली एक कंपनी में मैंने जब काम किया वहां से मैंने लगभग 2-2.5 करोड़ कमाए सर, लेकिन वो 100 पे जाके फिर से एक बार वो सब्सिडी की तरह 2-2 की सीरीज में मैं 2 नंबर पे फिर से पहुंच गया. जब ये प्रोजेक्ट हमने देखा, प्रोजेक्ट की ब्यूटी, मेरे को इसका जो से पैसिव इनकम का प्लान है वो तो बेहतरीन है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है सर. लेकिन जो एक्टिव इनकम का जो प्लान है हर जगह पे डायरेक्ट सेलिंग में, एक ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, जब एक लीडर जब बड़ा होता है ना सर, तो कहीं ना कहीं BOSS उसके दिमाग में आ जाता है कभी ना कभी. और फिर उसको ऐसा लगता है कि अब ये है ना, ये जैसे अपने यहाँ पे रैंक है, जेड है, पल है, तो कुछ अलग जगह पे अलग रैंक होती है. तो अभी हम प्लान नहीं दिखाएंगे, अभी आपको प्लान दिखाना है, हम बड़े सेमिनार में आएंगे, हम स्टेज पे रहेंगे, ट्रेनिंग देंगे, एक ये वाली चीज घुस जाती थी. और उसमें उसका कोई गलत भी नहीं है, कुछ कुछ वो प्लान ही कुछ इस तरह से होते हैं, कहीं बाइनरी प्लान होते हैं, कहीं इनकम की एक लिमिटेशन होती है. तो जब इनकम की लिमिटेशन होती है तो फिर उसके दिमाग में भी इस तरह से आ जाए सर. अपने प्लान की ब्यूटी मेरे को ये लगी सर, पर शायद सभी लोगों को ये लगी होगी कि यहाँ पे जैसे जैसे आदमी ज्यादा ग्रो करता है ना, वो उतना नीचे आता है मेरे ख्याल से. पर मैं तो यही करने वाला हूँ सर, क्योंकि इसमें डायमंड होने के बाद जो एक इन्फिनिटी रैंक जो है, बोनस जो है, वहां आपको एक ऐसा मौका मिलता है, आप चाहो तो अगर आप में सच्ची वो उम्मीद है कि आप लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, तो ये प्लान में वो चीज है कि आप वो सही भावना है ना, उसको आप खरे उतर सकते हो सर. आपको उसके लिए कुछ दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरी फीलिंग है सर. और इसी कारण आप यकीन मानो सर, मेरा बच्चा है 4 साल का, एक उम्मीद हमारी वो विजुअलाइजेशन चार्ट तो मैंने 2 साल वैसे रखा,
उसमें काफी सारे मेरे ऐसे सपने थे जो हमारे 15 रैंक में कंप्लीट करूंगा तब वो जाके सपने मेरे पूरे होंगे। लेकिन वो चार्ट जो है ना वो मेरे बेडरूम में था। मेरा 4 साल का बच्चा ये पीएलसीयू में आने से पहले बोलता था, पापा अब ये चार्ट निकाल दो, पापा अब ये चार्ट निकाल दो। वो 4th स्टैंडर्ड में से, सॉरी 8 साल का बच्चा, पीएलसीयू में आने के बाद। आज मैं जो इतना प्लान दिखाता हूँ ना सर, मेरा लड़का भी आपको फार्मिंग क्या है, मिंटिंग क्या है, मिंटिंग चला कैसे जाता है, हैकर्स क्या है, वो सारी चीज उनको सब पता है सर। एक्सेलेंट, सारी चीज पता है। अगर मैं कसम से बोलता हूं, अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर वो प्लान दिखाएगा तो उस बच्चे की साइज के हिसाब से हम लोग एक एक फार्म परचेस कर लेंगे। और दूसरी बात सर, अब ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अब वही बच्चा बोल रहा है, मैं तो बोल ही रहा हूं, पापा ये चार्ट अब कंप्लीट होगा, ये विजुअलाइजेशन चार्ट अब कंप्लीट होगा क्रिएटिन वर्ल्ड के साथ। आज मेरे घर में ये माहौल है सर, मेरी वाइफ बोल रही है अब हमारे ये सारे सपने पूरे होंगे, मेरे डॉटर है वो बोल रही है, यानी हमारा पूरा घर जो है सर वो प्लैटिनमय हो गया है सर। और थैंक यू वेरी मच सर कि आप लोगों की वजह से, आप लोग थे तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे जैसे काफी लोगों के पास जा रही है सर। तो भगवान करे आपकी आयु और आपकी हेल्थ हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि हमारे जैसे ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके कुछ सपने अधूरे थे, उनको एक सही प्लेटफॉर्म, सही दिशा, सही लीडरशिप की जरूरत थी, पर वो आप लोगों के माध्यम से सर आज मिल रही है सर। आपने जो एक सिस्टम डेवलप किया है सर, उससे वो कंप्लेन जो लोग जूम पे आते हैं सर, उनको वो कंप्लेन कभी नहीं रहेगी कि मेरी अपलाइन क्या कर रही है, मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो कंप्लेन नहीं रहेगी, ये मेरा ख्याल है सर, बराबर है। हालांकि हमारी तो अपलाइन बहुत अच्छी है सर, कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो किसी की अपलाइन में, अगर मान लो क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है सर, तो मेरा अनुभव है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर नहीं है कि अपलाइन परफेक्ट ही हो, लेकिन अपलाइन सही न होने के कारण से भी कभी कभी लोगों को प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा है। प्लेटिन वाले में सर जो आपने जो एक इकोसिस्टम बनाया है सर, उससे ये जो प्रॉब्लम है ना ये यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। अगर हमारे दिल में एक भावना है, हमारे कुछ विजन है, सपने है, तो सर यहाँ पे हमें कोई चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि कंपनी की जो इकोसिस्टम है वो बेहतरीन है सर। कभी किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई इसका पैसा भेज दो, इसका कमीशन भेज दो, वरना जो ट्रेडिशनल फॉर्म में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सर हफ्ते में 4 बार फोन करना पड़ेगा, इसकी ये प्रोडक्ट है अभी पहुंची नहीं है, अभी ये कमीशन कहाँ अटका है, यहाँ पे वो सारी चीज तो है ही नहीं। अपने को सिर्फ और सिर्फ अगर सही तरीके से सिस्टम को समझ लेते हैं, द पाथ वे ऑफ बिजनेस को अगर समझ लेते हैं और ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं सर, तो हमें सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करने की ही वो उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी सब पार्ट तो कंपनी देख लेती है, बाकी जो रहा है सिखाने का काम वो जूम मीटिंग कर लेती है। तो सर इतना हैंडसम प्लेटफॉर्म में सभी हमारे जो भी मित्र है, हमारे जो भी ड्रीम अचीवर है, वो सभी को मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगा, इससे बढ़िया मैं लगभग 2004-05 से इस इंडस्ट्री में हूँ सर। हालांकि मुझे कंपनियां बदलने का अनुभव नहीं है, लेकिन एक जगह पे काम करके पैसे कमाने का मेरा अनुभव है। हाँ, वो कुछ वजह से अगर मैं वो 2.5-3 करोड़ से एक बड़ा सपना नहीं, फिर भी मेरे जो सपने हैं वो मैं वो साइज कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म की वजह से आप चाहो वो सपना ये पूरा कर सकता है, ये ताकत इस प्लेटफॉर्म में है सर। और मेरी एक कविता जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं यू ही सिर्फ नसीब से, देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं यू ही सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से, कि मंजिल को पाना है, कि मंजिल को पाना है तो करना पड़ेगा कुछ चमत्कार, मंजिल को पाना है करना पड़ेगा कुछ चमत्कार, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, चाहे परिस्थिति अनुकूल रहे या न रहे अपने दृष्टिकोण को मजबूत रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी सर आपका, कि आपके पास बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है, आपने 2-3 पॉइंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से एड ऑन किए हैं, क्योंकि आपका बेटा 8 साल का है और वो सारी चीजों को समझ रहा है, जान रहा है। हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे है और हम सपने देख रहे कुछ जिंदगी में बड़ा करने के, तो हम सबको अपने घर के अंदर व्हाइट पेपर के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्लान के बारे में, हमारे फ्यूचर के कैलकुलेशंस के बारे में, रैंक के अचीवमेंट के बारे में हर जगह पे लिखना चाहिए, पूरे परिवार को पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं,
हमारे घर में जो धन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म की वजह से आ रहा है, किस प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है, पूरे परिवार को पता होना चाहिए। मेरे बेडरूम के अंदर मैं जब घर पे होता हूं तो बहुत बार आपने बोर्ड देखा होगा, उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वो कब से लिखा हुआ है, आज से 5 साल पहले लिखा हुआ है कि जब मैंने प्लैटिन कॉइन को स्टार्ट किया कि 2025 में मुझे 5,000 करोड़ रुपया कमाना है। अब आज से 5 साल पहले लिखा है, यानी 5 साल से वो सपना लेके मैं चल रहा हूं। 2017 से लेके 2025 के बीच में प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे कितने प्रोडक्ट्स आएंगे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन 2025 तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 5,000 करोड़ तक पहुंचना है वो मायने रखता है। तो आपके घर के अंदर वो व्हाइट पेपर होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, जहां पे हर प्रोडक्ट के बारे में, हर रैंक के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए और पूरे परिवार को पता होना चाहिए। तो जिन्होंने भी अपने घर के अंदर ये ड्रीम बोर्ड लगाया नहीं है वो जल्द से जल्द आज के बाद कल फ्री होके, पहले तो ड्रीम बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है, आपके पूरे परिवार को पता चलना चाहिए आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहां पहुंचने वाले हो, कौन से रैंक पे पहुंचने वाले हो, कौन से रैंक पे कितना बोनस आपको आने वाला है, उस बोनस से आप क्या करने वाले। तो जब आपका परिवार आपको ताने मारेगा कि आपने डायमंड का रैंक कब क्वालिफाई करना है, 5 लाख रुपए का गोल्ड कब खरीदना है, ग्रीन ब्लू डायमंड कब बन रहे हो, 10 लाख की गाड़ी कब लेके आ रहे हो, ग्रीन डायमंड कब बन रहे हो, 20 लाख की बड़ी गाड़ी कब लेके आ रहे हो, तो ये आपको तय करना है। और उसके बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड बनाने घर के अंदर, और ये काम करता है, तो ये कंपलसरी है हर किसी को। कल का दिन अगर हम फ्री है, कल मॉर्निंग में हम लोग जूम का सेशन नहीं करेंगे क्योंकि सुबह आज लेट नाइट क्लोजिंग होने वाली हमारी, जब भी हमारी क्लोजिंग होती है तब हम नेक्स्ट डे सेशन करते नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में है नेक्स्ट लीडर मिस्टर नरेश जी, सफायर की रैंक पे है। मैं कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे सफायर रूबी एंड एमराल्ड वो हैंड रेज करें और अपना नाम लिखे, नाम के साथ अपना रैंक लिखे। गुड मॉर्निंग, टीम के सबसे पावरफुल लीडर्स है नरेश जी, आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा कोशिश कीजिए उसको कम करने की। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कल तो आप सोचोगे नहीं, 52 लाख का बिजनेस डाला है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, फैंटास्टिक। और वो रूबी वाली बात है ना सर, वो पुरानी बात हो गई सर। स्पायर वाली बात पुरानी हो गई। ओहो, चेंज कर दो, ब्रांड नेम नया डाल दो। हाँ हाँ, अभी चेंज नहीं करेंगे सर, अभी टाइम नहीं है चेंज करने का। ओके, तो बहुत बधाई आपको कि आपने 50 लाख का बिजनेस एक दिन में किया पूरी टीम के साथ, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सर 2 दिन से मीटिंग नहीं ले पाया सॉरी, क्योंकि बहुत बिजी हूँ इस टाइम, 2 बजे पहुंचता हूँ, 3 बजे पहुंचता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी वैसे कल्पना नहीं की मैंने ऐसा होगा मेरे साथ, ये प्लेटफॉर्म में आने के बाद। आज का जो दिन है ये एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है पूरे दुनिया के अंदर। 15 तारीख को हमने जो क्लोजिंग किया था वो 400 करोड़ का क्लोजिंग हुआ था पूरे वर्ल्ड में, और शायद आज का क्लोजिंग 1,000 करोड़ क्रॉस कर देगा, जिसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि जब भी हमेशा कोई रिकॉर्ड्स बनते हैं और उस रिकॉर्ड्स के अंदर हम होते हैं, यानी क्रिकेट के टीम के अंदर 11 अगर खिलाड़ी खेल रहे और वर्ल्ड कप जीतते हैं तो उसमें किसने सेंचुरी मारी, कितने कितने विकेट लिए, कोई मायने नहीं रखता है। उस वर्ल्ड कप के अंदर वो 11 लोगों का नाम लिखा जाता है। अरे सर इंडिया वाले सिस्टम हैंग कर देते हैं, मेरे को लग रहा है आज फिर सिस्टम हैंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम इंडिया का ही है क्योंकि हम सब लोग लास्ट के दिन जाग जाते हैं। बिल्कुल सर, मेरे को लग रहा है सर अपने हाथ से कुछ जा रहा है, लोग फिर भी समझ नहीं रहे, कई लोग पीछे रह जाएंगे, फिर वो पिछली सीट पे बैठेंगे, मेरे को बड़ा दुख होगा उन लोगों के लिए। तो नरेश जी आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए, आपका सपना क्या है, उसके बारे में एक शॉर्ट स्पीच देना है आपको 1 या 2 मिनट का, ताकि आपसे सबको सीखने को मिलेगा। सर मैं पहले से भी सॉफ्टवेयर बेचता था, मेरा 12-13 साल से कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है, मेरे पास 3-4 लड़के काम करते हैं, हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं। और जैसे हमने देखा कि हम जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं उसमें हमें क्या मिलता है और बेचने के बाद में हमें क्या मिलेगा, लेकिन मेरे को मेरे सर ने प्लान दिया, मेरे ग्रेट सर हैं तो नरेंद्र जी शेखावत, उनने दिया, तो मैंने कहा कि ठीक है मेरा काम ही सॉफ्टवेयर बेचना है। फिर मेरे को पता चला कि यहाँ सॉफ्टवेयर बेचने में कुछ अलग ही है, इसलिए अब मेरा सपना सपना तो मेरा पहले से भी सारे पूरे हैं सर, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि मेरा कौन सा सपना पूरा होगा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा सर। जो मैं सोच रहा हूँ उससे ज्यादा 4 गुना 5 गुना 10 गुना बिजनेस आ रहा है, पैसा आ रहा है। सिर्फ यही है कि आप टीम में, मैं तो सबको एक चीज बोलता हूँ सर, टीम में नए लोग जो आ रहे हैं ना, उनके डॉक्यूमेंट और उनको सिस्टम के बारे में, कि उनको ये बोलो कि यहाँ
पे रीसेट का ऑप्शन नहीं है। आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह संभाल के रखें, आप रेट को भूल जाएं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको 3 से 4 साल माइंड में सेट करके करें, ये सारी चीजें करके बिजनेस में आ रहे हैं। तो अभी कोई कंप्लेंट नहीं है 400 लोगों में, कोई भी सिंगल कंप्लेंट नहीं है। कोई एक आध बंदा अगर कंप्लेंट करता भी है, 10-11-20 हजार का फार्म लगा रखा है, उसको मैं ऑफिस में बुलाता हूं, उसको समझाता हूं, उसके बाद भी उसको लग रहा है तो कहता हूं तेरे डॉक्यूमेंट यहां जमा कर, 1 साल बाद मेरे पास आना, तुम तेरे 20 हजार भी ले जाना। उसके बाद 2 दिन बाद उसका कॉल आता है कि सर सॉरी मेरे को सिस्टम ही समझ में आ गया, मेरे को डॉक्यूमेंट वापस दिए, डॉक्यूमेंट आपको 1 साल बाद में मिलेंगे। ऐसा भी 1-2 बार हुआ है सर। अभी तो मैं सबको ये कहता हूँ कि अब लग जाओ, क्या पता अपने को 2 दिन का टाइम मिल भी जाए, नहीं भी मिलेंगे तो लोगों के डॉक्यूमेंट और पैसे यहीं रह जाएंगे और अल्टीम अपने हाथ से निकल जाएगा फार्मिंग का। बहुत ही बेहतरीन आपने मैसेज दिया है। इसके अंदर एक पॉइंट निकलता है कि जब हम प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है या किसी के लिए काम नहीं करता है, वो उनकी मानसिकता होती है। दुनिया के महंगे से महंगे ब्रांड्स, आप मर्सिडीज की कार लो या एप्पल का फोन लो, 1000 को बेचोगे तो 2 कंप्लेन करने के लिए शोरूम में पहुंच जाएंगे। अभी वैसे एक उदाहरण दे देता हूं मैं, है तो बड़ा अजीब सा, अभी माइंड इतना बिजी है। 2 दिन पहले मंडी में गया, मैंने कहा अचम गेहूं दे दो, उसने कहा 2000 रुपए लगेंगे, मैं कह रहा हूँ रेट बढ़ा दी आपने, कह रहा सर बड़े हुए मैं कोई बात नहीं डाल दो, और उसने एचएम की खल डाल दी मेरे गाड़ी में। अब मेरे को नीचे उतर के देखने का टाइम नहीं था, इसने खल डाली है गेहूं डाली है। घर वाले कहते गेहूं ले आया, मुहाल ले आया, गाड़ी में से जाते हैं तो खल निकलती है। घर वाले हंस रहे कि तू पागल तो होगा, गारंटेड है मत, ये खल का कट्टा उतारो, पड़ोसी को पूछो 100-200 रुपए कम में दे दो, मैं 1-2 दिन में गेहूं ले आऊंगा। दूसरे दिन दुकान पे मैं गया, मैं जाके कहता हूँ कि गेहूं देना भैया, कल आपने खल दे दी, बोले गेहूं के तो 1800 रुपए लगेंगे, बोलो 50 किलो है कट्टे के, तो मैं यार कल 2000 रुपए, तभी तो मैं कह रहा था कि रेट बढ़ गए, 2-4 दिन पहले 1800 रुपए थे। तो अभी तो अल्टीमा में जो काम कर रहा है रियल में उसी का ये हालत है सर, उसको टाइम नहीं है, उसके पास बिजनेस की कोई कमी नहीं है। लोग कहते हैं रेट डाउन चली गई, अप चली गई, उसका कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम सिस्टम को पूरी तरह समझे तो राइट ये सर। और सर जो अभी सिक्योरिटी जो हाई करी है ना सर, अभी 4-4 पिक लो आ गया एकदम से। मैं कल एक फार्मिंग कर रहा था हिसार के अंदर हरियाणा में, और वो सर वो फार्मिंग भी बड़ी अजीब थी सर। हम चाय पी रहे थे एक नीम के नीचे छोटी सी दुकानदार के पास बैठ के, तो वहां पे मेरी एक पार्टी आई, मेरे को उससे $10,000 लेने थे सर। रियल रियल स्टोरी है सर, वो मेरे को नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। हमने चाय पी, मैंने उसको पेमेंट किया, उसने मेरे को यूटिलिटी दे दिए, बातचीत चलती रही। वो ट्रेडिंग में इथेरियम में फंसा हुआ था बुरी तरह से, ये चला गया 3% माइनस है, 2% वो जाएगा, 3% सब हो गया। फिर मैंने उससे कहा सर 5 मिनट अगर हम बात कर सकते हैं, अनोन है जानते नहीं, लेकिन हम एक सिस्टम में काम करते हैं, हम खेती करते हैं, हम किसान है, खेती करते हो किसान है, यूटिलिटी चाहिए आपको? मत सर हम भी आपकी तरह डिजिटल खेती करते हैं सर। डिजिटल खेती करते हो, उससे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आप मेरे को मोबाइल बंद कर दिया सुने, आप मेरे को डिजिटल खेती बताओ क्या होती है। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हमें यहाँ पे फार्मिंग करनी पड़ती है, कॉइन खरीदना पड़ता है, उसका नाम है अल्टीमा। अल्टीमा की रेट के बारे में मोस्ट सर आप रेट की बात मत करो सर, अभी आप है ना सिर्फ फार्मिंग की बात करो। नहीं मेरे को रेट पूछना है, मैंने कहा रेट 80 लाख रुपए भी हमने देखा है और 80,000 भी हमने देखा, रेट का बात मत करो, यहाँ पे लास्ट डे टाइम है। फिर कहता कि पूरा सिस्टम समझाओ सर। तो मैंने उनको बताया कि सर सबसे पहले हमारे यहाँ फार्मिंग होती है, तो आप सबसे छोटा फार्म है हमारा 110 यूरो का, और उससे बड़े बड़े फार्म है। मैंने उसको लिस्ट दिखाई, साइट पे लेके गया, तो उसने कहता है कि मेरे मोबाइल में खोलो ये सारा सिस्टम, मतलब उसने 1 मिनट में प्लान समझ गए। फिर कहता है कि मेरे को क्या मिलेगा? सर आपने जितनी मीटिंग यहाँ पे डाली वो 45% अभी चल रहा है, 45 नया कॉइन मिल जाएगा 1 साल में। आप चाहोगे तो हर 30 दिन बाद में मिंटिंग होके आएगा, आप बेच सकते हो, चाहोगे तो रख सकते हो। रखने के लिए क्या है मोस्ट सर? हम रखने के लिए भी आपको एक मकान बना के देंगे जिसका नाम है अल्टीमा वॉलेट। बोले ये क्या है? मैंने कहा ये वॉलेट है हमारा। तो उसने कहा कि यार ये तो टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, इस प्रोसेस को करने में मेरे को 1 घंटे का टाइम चाहिएगा भैया। कहता है कि सर आपको 3 घंटे दिए, मेरा ये काम करके जाओगे आप? मतलब मैं व्यापार मैं इससे वो गया था उससे सामान लेने, और वो मेरे से सामान ले रहा है। सही बताऊंगा सर 5.5 लाख रुपए उसने मेरे को वापस दे दिए। फैंटास्टिक। देखो हर लीडर से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है कि सेल कैसे होता है। आप बेचने जाओगे तो कभी नहीं होगा। उसके बाद में जिसने हमें मिलवाया वो सर है हमारे, तो सर पीछे बैठे गाड़ी में, उसको मैंने 4 बार प्लान दिया है। वो कहते हैं कि यार मेरे समझ में नहीं आ रहा, और मैं तो मेरा ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, स्टेकिंग का कहानी समझ में नहीं आती। फिर पीछे से आवाज आती धीरे से,
कि नरेश भाई मेरा भी इतने का ही कर दे, मैं आपका भी इतने का ही कर दूं। फिर कहता है कि भाई जो दो पांच पैसे आपको आएंगे वो कम करोगे ना, हाँ वो मैं कम कर देता हूँ, लेकिन आप कितना पीछे रह गए आप सोच सकते हो। तो सर कई लोगों के साथ ये भी हो जाता है, उनके लेट समझ में आता है, जब तक मैंने उनको चार बार प्लान दिया है भी मेरा उनके साथ कंटिन्यू संपर्क था, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया और वो बंदा आके उसका सीनियर है, वो उसका जूनियर है, वो उसके डाउन में बिजनेस डालेगा और वो 5 लाख का बिजनेस अगर वो 2 मिनट पहले फैसला लेता तो उसके डाउन में जाता सर। तो यहाँ पे मैं अपने मैसेज दिया है, जल्दी से जल्दी तो निर्णय लेगा, अभी निर्णय लेने का टाइम ही नहीं, अभी तो घंटे बचे हैं, घंटे जिसको भागना भाग लो, गाड़ी स्टार्ट कर ली स्टार्ट कर लो, पंचर गाड़ी को लेके भाग जाओ, लेकिन मार्केट में जाओ किसी का भला करके आ जाओ, ये अल्टीमा यहाँ कभी नहीं दिखेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपने कि बहुत ही बेहतरीन आपने टिप्स दिए सारे लीडर्स को कि सेल कैसे होता है, और आज का जो हमारे लिए दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हर लीडर से वो मैसेज लेना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारे स्पीकर है जैक्स परमार, शॉर्ट एंड स्वीट आपको मैसेज देना है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो उसका मेन कारण क्या, व्हाई, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो विजन है वो किसी और का भी बन सकता है, 1000 लोग आपको सुन रहे हैं। यस मिस्टर जैक्स परमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत बधाई आपके रूबी रैंक के लिए। सर मेरा तो इमराल में थोड़ा 2-4% कम पड़ रहा है, वो शायद हो जाएगा आपके आशीर्वाद से। आज तो सारे के सारे लीडर्स के रैंक चेंज होने वाले हैं सुबह के 4 बजे, यानी कल हम सेशन तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन परसों सुबह मॉर्निंग में उन सारे लीडर्स से बात करेंगे जिन्होंने आज के 12 बजे तक अपने रैंक को चेंज कर दिए है, और ऐसे कम से कम 100-200 लीडर्स मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मैं जब जोधपुर में सेमिनार हुआ था, डे ऑफ फर्स्ट मिला था, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही देख के, आपका जो पॉजिटिविटी और आपको ही देख के मेरा माइंड थोड़ा चेंज हुआ था। मैंने आपके जोधपुर में जो फरवरी में सेमिनार हुआ था उससे पहले सुमन जी सर ने, मनोज जी सर ने काफी बार अप्रोच किया, लेकिन मैं एक अलग ब्लॉकचेन पे काम कर रहा था इथेरियम की, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं गया, मैंने कहा ये कॉइन वैलिडिटी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन जैसे जिस दिन फर्स्ट ऑफ डे आपका सेमिनार हुआ, आपसे मिला, आपकी एनर्जेटी देखी और हर एक चीज देखी, और जो सोन जी ने जो प्लान प्रेजेंटेशन किया सारी चीज क्लिक कर गई, फिर मैंने देखा ही नहीं पीछे मुड़ के, फिर आज नीनी करके सारे टेक्निकल बंदे हैं और टीम के अंदर अच्छे से अच्छा काम आ रहा है, मैं भी टीम को मेहनत कर रहा हूँ, टीम को फॉलो दे रहा हूँ, तो सब सारी चीजें ए टू जेड हर बंदे को मैंने सिखाई और धरातल पे काम किया, तो ये जो रूबी इमराल्ड हो रहा है ये मेरी मेहनत नहीं है, पूरी टीम की मेहनत है, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने मेरे बगैर उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया, हर जगह सपोर्ट किया मेरा, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टीम को, और वो भी अपनी रैंक निकाले, और वो जब रैंक निकालेंगे हम उनको ऊपर उठाएंगे तो हमारा रैंक ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाएगा। फंटास्टिक, बिल्कुल टीम होता है, हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं और ये काम तभी संभव है जब हम टीम के साथ खड़े हैं, टीम हमारे साथ है, हम टीम के बिना आगे नहीं बढ़ सकते और टीम हमारे बिना आगे नहीं बढ़ सकती है, यही नेटवर्क का सबसे बेस्ट खूबी है। आप अगर आपकी टीम के साथ हमेशा कनेक्ट रहेंगे तो आपकी टीम आपको हर ऊंचाई पे पहुंचा सकती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आज मैं आपका सपना, आपके सपने उनका सपना है, तो हमें नेटवर्क के बिजनेस में सक्सेस होने के लिए टीम वर्क ही करना पड़ता है, तभी जाके हम सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल सर, तो एडवांस में आपको बधाई कि आज रात को 12 बजे के पहले आज के क्लोजिंग में आप एमराड की रैंक को क्वालिफाई करेंगे और एक्स के साथ साथ आप डायमंड बनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, दुबई से पहले बनना है सर डायमंड, दुबई वाले कन्वेंशन में शामिल होना है सर। फैंटास्टिक, ये होता है गोल सेटिंग कि दुबई जाऊंगा तो डायमंड बन के ही जाऊंगा, क्योंकि वहां पे डायमंड को एंट्री मिलने वाली है, क्योंकि पिछले बार रूबी का था, रूबी बन के दुबई गया था, लेकिन अब की बार डायमंड बन के दुबई जाऊंगा। बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अरुणा पाटिल जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, शॉर्ट एंड स्वीट आपको 1 या 2 मिनट के अंदर एक मैसेज देना है कि आपने इस प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन किया और आप इस प्लेटफॉर्म से क्या करना चाहते हैं। सर थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने शायद 2 मोबाइल ऑन करके रखे, उसमें सर, एक को बंद कर दो, एक ही रूम में। सर सारी कम्युनिटी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, सारे लीडर को जूम के, और सर मेरा जो वाई क्लियर है कि मैं मेरी बेटी उनके लिए प्लेटफॉर्म को मैंने चुना हुआ है।
कि मैं मेरी बेटी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि दो प्रकार की माँ रहती है, जैसे माँ उन्हें एक साथ में आती है बच्चों के लिए, बोलती है मेरे बेटे उनके सपने, बच्चों के सपने पूरे करना है, कुछ तो करना है। एक माँ रहती है उसको बोला जाता है कि प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, तो बोलती मेरे बच्चे घर पर है, और एक दूसरी माँ कहती है कि नहीं मैं मेरी बेटी उनके लिए बच्चों के लिए कर रही है, तो कौन सी माँ बनना है, तो सारी माँ ये डिसाइड कर सकती है। सर मेरा एक विजन क्लियर है, मेरा मिशन भी क्लियर है कि अल्टीमा हर घर में जाना चाहिए, कि हर घर में प्रॉब्लम नहीं आए, कि अल्टीमा का एक फॉर्म हर घर में आए, ये प्लेटफॉर्म जाएगा तो सारे बच्चों की स्टडी भी अच्छी हो सकती है, गरीब फैमिली में भी, क्योंकि सबसे बड़ा एजुकेशन ही सर एजुकेशन, जिसके घर में बच्चों का माँ बाप खुश रहते पैसे से ज्यादा। मेरा विजन क्लियर है सर कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो खेती है डिजिटल, ये मेरे घर में आई है तो मेरी पीढ़ी को काम आएगी, कि बोल सकते हैं कि मेरी नानी दादी के डिजिटल खेती छोड़कर गई। सर आपको पता होगा मराठी फैमिली में क्या होता है, जब बच्ची की शादी होती है जिसके घर में खेती रहती है, जिसके घर में गहने रहते हैं ज्यादा, वही पैसे वाली होती है। मराठी फैमिली में यह कहा जाता मेरे यहाँ खेती नहीं थी, लेकिन मेरे यहाँ डिजिटल खेती आ गई। सबसे बड़ी बात है सर कि डिजिटल खेती में लोगों को दिखा सकती हूँ कि मेरे पास फिजिकल खेती नहीं, लेकिन डिजिटल खेती से मैं पैसे वाले बनने वाली हूँ सर, क्योंकि मेरी शादी मेरे मम्मी ने पापा नहीं होते तो खेती बेचकर ही की है। तो बहुत ही प्यारा मैसेज आपने देने की कोशिश की है कि आपका वाई क्लियर है, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए, राइट, और उनका फ्यूचर बनाने के लिए, उनका करियर बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं। अब जब बच्चों की बात आती है तो एक इमोशनल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमारे मन में कोई भी निगेटिविटी काम नहीं करेगी, कितने भी चैलेंजेस आने दो वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वाई क्लियर है, क्योंकि हमारे बच्चों का एजुकेशन अच्छा करना है, उनका फ्यूचर बनाना है, उसके लिए अच्छे पैसे की जरूरत है, उनको एक अच्छा एजुकेशन देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वाई इस तरह के कोई ना कोई गोल सेटिंग के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कि आप जब तक किसी एक चीज के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं है तब तक आपका वाई काम नहीं करेगा। यस सर। चलो ठीक है, बस आ गए पैसे कमाने, पैसे कमाने के बाद देखेंगे क्या करना है, घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी, और क्या करना है, तो कभी आपका वाई क्लियर नहीं होगा। आपको पहले से ही तय करना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि फिर वो क्यों ही आपको वहां तक लेके जाएगा, आपको बार बार याद दिलाएगा, क्योंकि आपके बच्चों का स्कूल, आपका बच्चों का एजुकेशन आपको अच्छे स्कूल में करना है, ये चीज हमेशा आपको याद रहेगी, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे। नेक्स्ट स्पीकर है हमारे बीच में इंद्रप्रीत कौर मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं तो खुद इस बिजनेस पर आकर मेरी जो लाइफ थी पहले की, बहुत जैसे अभी अरुणा मैम ने बताया कि उनकी स्टोरी मैंने फरवरी में भी सुनी थी, तो मैं भी सेम ऐसी सिचुएशन में थी, और सिंगल पेरेंट होने के नाते मैं भी अपने बच्चों को देख रही थी, कोविड का भी टाइम मैंने देखा अकेले, तो मेरा तो कोई है भी नहीं, मतलब दुनिया में मैं ऐसे बोलती हूँ मैं अकेली हूँ, लेकिन अभी पीएलसी फैमिली में आ गई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अपने हैं, और एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर लगता है जब मैं जूम में आकर बैठती हूँ, तो बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि ये नहीं कि पैसा हाथ में नहीं आया, लेकिन दिमाग में आ चुका है कि दिमाग में तो मैं करोड़पति बन चुकी हूँ, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो गया, तो अभी तो और बहुत कुछ कर रहे हैं। ये मेरा रूबी वाला रैंक जो है 94% तक कवर हुआ है, 6% रह गया थोड़ा सा ही, तो अब ये नहीं पता कि भगवान मेरे को अल्टीमा में कराएंगे या एक्स में कराएंगे, ये नहीं पता सर। देखो, आपको पूरी कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, राइट, कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना वाहेगुरु के हाथ में। हाँ जी सर, तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। बाउंस बैक तो सर वो मैं कर जाती हूँ जब वो मीटिंग सारी सुनती हूँ, जैसे बड़ा बिजनेस में बाउंस बैक विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं, तो सारी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ। पहले जब स्टार्टिंग में थी तो मुझे, मैं सर बोलते थे जूम में आओ, मैं कहता सर मैं जूम में आऊंगी तो मुझे नींद आ जाती है, तो अब ये कि जूम नहीं सुनती तो नींद नहीं आती, तो वो जूम सुनना जरूरी हो गया मेरे लिए, आदत पड़ी सर। वो संतोष नायर सर का हम जब वीडियो सुनते हैं तो उसमें उन्होंने कही है कि हमेशा इंसान आदत का शिकार बन जाता है। हाँ जी, हमारे घरों में टीवी चल रहा है, टीवी के ऊपर कपिल शर्मा की कॉमेडी आती है, सास भी कभी भू ये सीरियल भी आता है, पिक्चर्स भी आती है, हाँ जी, और न्यूज भी आता है, ये सब देख देख के हमने टीवी देखने की आदत लगाई है, और हर किसी का घर के परिवार के अंदर उस टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम फेवरेट होता है, उसके पीछे एक घंटा दो घंटा हम बिगाड़ देते हैं। हाँ जी, अब वो टीवी ने किसी की जिंदगी नहीं बनाई है, बिल्कुल, लेकिन जिंदगी को तबाह तो जरूर किया है। सही बात है सर, तो उसको हमने आदत बना दिया है। सही है, जब कोई बुरी चीज की हमें आदत लग जाती है तो हमें तबाह कर देती है, जब किसी अच्छी चीज की हमें आदत लग जाती है तो हमें तरक्की पे लेके जाती है।
तो जब भी हम जूम पे आते हैं शुरुआत में हमें लगेगा कि ये क्या है, हाँ जी, क्योंकि हमें आदत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ आके हमें आदत लग गई है, अब हमें ऐसा लगता है कि जूम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सही है सर। पर अभी कंफर्ट जोन बन चुका है, हम पूरे देश के साथ पूरे दुनिया के साथ किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाए। मान लो कि अभी आपको कनाडा से किसी का फोन आ जाए, बोले आपके साथ एक मीटिंग करने और प्रोडक्ट समझना है, तो आप क्या बोलेंगे, छोटे काम करो जूम पे आ जाओ। हाँ जी सर। आपको आदत बन गई है, यानी आप डेली सुबह से शाम तक आप लोगों को जूम कॉल पे ले रहे, उनके साथ वीडियो कॉल में बात कर रहे, उनको प्रोडक्ट समझा रहे, जो काम हम पहले कभी नहीं करते थे। टीवी के ऊपर हम को देखते थे, आज टीवी पे बैठ के बात करने का मौका हमको मिल रहा है, क्योंकि आप पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे। सर जैसे वो सोनू सर की एक मैंने वीडियो देखी थी, वो कह रहे जब दौड़ होती थी तो मुझे वो केले की टोकरी दिखती थी, अब इस बिजनेस में मुझे सिर्फ 140 करोड़ दिख रहे हैं और कुछ दिखता ही नहीं, रेट भी नहीं दिखता। बहुत बहुत बधाई मैडम आपको आपके नेक्स्ट रैंक के लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्पीकर है हमारे बीच में सिद्धार्थ जैन, रूबी रैंक पे है। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्कार जी। और सारे के सारे जुम्मे बैठे हुए साथियों को नमस्कार करता हूं, और उसको भी नमस्कार करता हूं सर जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, क्योंकि हम सब लोगों को तो याद करते हैं सर, अलेक्स सर को कोई याद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और सिस्टम लेके आए, और मैं दूसरे अलेक्स जो हमारे यशा के सर है उनको भी नमन करता हूं। सर इस बिजनेस को करने के लिए मेरा बहुत ही बड़ा भय था, क्योंकि मुझे दुनिया में नाम, ब्रांड, फेम और लोगों के लिए कुछ करना था, ऐसा सोचकर मैंने इस बिजनेस को ढूंढ रहा था, और अचानक में मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला जिससे मैं खुद के लिए तो दुनिया करती है, लेकिन लोगों के लिए करने वाला काम एकमात्र काम था। और जिस टाइम इस प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम पहले ही वीक की इनकम 70,000 थी, तो उसी दिन मैं समझ गया था सर, उस टाइम फास्ट स्टार्ट बोनस चलता था, टर्बो बोनस चलता था, तो उसी दिन मैं समझ गया था कि जब इस बिजनेस ने हमें एक हफ्ते में इतना बड़ा विजन और मिशन दे दिया है, तो जरूर ये बिजनेस कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि मुझे लोगों के लिए भी काम करना था, खुद से मैं सफल होता, मेरा हमेशा जीवन में ये विजन था कि लोग मुझे कॉपी करें, मुझे ऐसा कुछ दुनिया में करके जाना है, ऐसा इतिहास बना के जाना है कि लोग मुझे देखें और कॉपी करें। तो सर वही विजन पे मैं चल रहा था, तो इसको चलते चलते मैंने आज लगभग बहुत सारा समय हो गया सर, मैं जॉब करता था, लेकिन आज की डेट में उसको जॉब को भी क्लोज कर चुका हूँ, और आज मेरा विजन ये कि सर मुझे 2022 में जो अभी डायमंड का जो सेलिब्रेशन होना है, उसी सेलिब्रेशन में मुझे डायमंड बन के ही जाना, और मैं कसम खा चुका हूँ कि मैं जब तक घर वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाऊंगा। और एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा सर, बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होकर यूं मायूस यूं ना बैठो, अलेक्स सर के विजन और मिशन से लाखों जिंदगियां बदल सकती हैं। थैंक यू सर जो आपने एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बधाई सिद्धार्थ जी आपको कि आपका गोल सेटिंग है कि आपको डायमंड बन के दुबई के इवेंट में जाना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, जब इंसान ठान लेता है ना तो वहां पहुंच जाता है। जी सर। अलेक्स सर को हम सब तो याद करते हैं, क्योंकि अलेक्स सर है, इंसान तो क्या भगवान भी उनको याद करता होगा, जिस इंसान ने पूरे दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों को जिंदगी जीने का मौका दिया है, वो तो हमारे दिल में है सबके। जी जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके नेक्स्ट रैंक के लिए, बहुत बहुत बधाई आपके डायमंड रैंक के लिए। ओम प्रकाश साहू जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, और कम्युनिटी गुड मॉर्निंग, और मैं ओम प्रकाश साहू एमपी बुंदेलखंड से हूं, और मेरी सर इस सिस्टम को शुरुआत लगभग एक साल हो गई है, और मैं इस सिस्टम में जब जुड़ा था तो इन्वेस्टर के रूप में था सर, मैंने इसमें देखा सर जूम मीटिंग में आपको सुना और आल कम्युनिटी को कि लोगों की जिंदगी बदल रही है तो हमारे भी बदल सकती है, तो सर हमने इसको सीखते सीखते, मैं इसके पहले 10-15 हज़ार की नौकरी करता था सर रीवा में, फिर मैंने इसको सर मेरे सीनियर राकेश साहू जी उन्होंने हमको बताया और इसको चलना सिखाया, तो मैं पहले सर क्रिप्टो का सी भी नहीं जानता था, आज सर बहुत अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म, वो पैसा अच्छा कमा रहे हैं लोगों की, जो लोग हैं सर हमारे जो डाउनलाइन में कम से कम सर 5-10 लोग ऐसे हैं जो सर 2-2 लाख का मंथली यहाँ से कमा रहे हैं, वो मैं उनके माध्यम से सर फॉलो कर रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं ऑटोमेटिक बढ़ रहा हूँ सर, और मेरी आज रूबी रैंक सर
मेरी कंप्लीट है। एमराल्ड में सर 7-8% चाहिए तो मैं टारगेट में लगा हुआ हूँ सर। मेरी आज कोशिश करूंगा कि एमराल्ड हो जाए। ग्रेट, कोशिश तो पूरी रहेगी सर। और थैंक यू सर, मैं लगा हुआ वो मुझे सर डायमंड बनना है, दुबई जाना है, वो डायमंड बन के ही जानना है सर। मेरा एक कमिटमेंट है, मैंने लिख लिया है सर। फंटास्टिक, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को, कि आज रात तक आप कोशिश कीजिए कि आप एमराल्ड बन जाएंगे और दुबई के पहले आप जरूर डायमंड बनेंगे। जितने भी लीडर्स सफायर, रूबी और एमराल्ड की रैंक पे हैं, वो पूरी कोशिश कर सकते हैं कि दुबई के इवेंट के लिए उनको डायमंड बनना। और उसके लिए आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट रेडी रखना है, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट चेक कर, और साथ ही साथ आपको अभी से दुबई के इवेंट का टिकट बुक करके रखना है। वो टिकट जब आपके पास आपके बैग में डेली होगा ना, वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपको डायमंड तक लेके ही जाएगा। अगर आप, अगर कोई लीडर बोलता है कि सर मैं आज जड़ू और मुझे तो दुबई का इवेंट अटेंड ही करना है, कुछ मत करो, कल सुबह उठो और फ्लाइट की टिकट बुक करो दुबई की, और वो टिकट को लेके घूमो पूरे अगले एक महीना तक, वो आपको डायमंड लेके जाएगा ही जाएगा टिकट। क्योंकि आपने अपने गोल सेटिंग के अंदर डाल दिया कि मैंने टिकट खरीद लिया और मुझे तो डायमंड बन के दुबई जाना ही जाना है, मुझे दुबई जाना है तो मुझे डायमंड बनना है। तो किसी भी हालत में आप डायमंड बन सकते हैं जी सर। और सर मेरे टोटल जो सर अकाउंट है पीएलसी अल्टमा के सर 680 अकाउंट टोटल अल्टमा से हुए हैं सर, और मेरा सर 135 करोड़ का सर बिजनेस हो गया है। थोड़ा एक लैग में कम है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी डायमंड निकालूं एक साथ। फैंटास्टिक, बिल्कुल बिल्कुल आप डायमंड निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप डायमंड बनाइए अपने टीम के अंदर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। नेक्स्ट हमारे बीच में है अनिल कुमार जी सफायर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर, इतने भी हमारे सभी लीडर्स हैं जो हमें पर डे जूम मीटिंग पे बहुत ही अच्छा नॉलेज देते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और एलेक्स सर को भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं एवरी डे, और मैं अपने रूम में उनकी एक फोटो भी लगाया हूँ, क्योंकि हमें इस दुनिया में हमें माँ बाप ने जन्म दिया, वो हमारे भगवान के समान है, लेकिन एलेक्स सर भी हमें एक गॉड की तरह ही है, क्योंकि उन्होंने हमें लाइफ में जीने का मकसद दिया। सर एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी देता हूँ, मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है। ओके, सन 2008 में करीब मैं बहुत छोटा ही था, तो 99 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरी दादी एक्सपायर हो गई और ठीक ठाक मेडिसिन नहीं मिली, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, क्योंकि जब मुझे पता चला कि वो झांसी यानी हमारे यहाँ से काफी दूर पड़ता है, बुंदेलखंड से में ही है, हमारे महोबा डिस्ट्रिक्ट से, और रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जब मुझे रियलाइज हुआ 2-3 साल बाद, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन जब मैं डॉक्टर के, जब मैंने एंटर की 2016 में, और मैं जब डॉक्टर यानी कि पढ़ने के लिए गया कि डॉक्टर बनते कैसे हैं, जब वो पता चला, तो पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए है, मेहनत चाहिए, लेकिन एक साथ पैसा भी चाहिए। लेकिन हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी कि वो मुझे अफोर्ड करती, और मैंने ये तोड़ दिया। उसके बाद मैं सर आपके शहर गुजरात में भी आया, और वहाँ पे मैंने एक फैक्ट्री में थोड़ा सा काम किया। उसके बाद मैंने वहाँ से पैसे कमाए, उसको मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में लगाया, अपनी आईडी परचेस की, और अपने पापा से 1500 रुपये लिए थे, उनको मैंने यानी कि 2000 रुपये दिए, और उनसे कहा कि आज से मैं अपना पूरा बिजनेस खड़ा करूँगा। उसके बाद सर मैंने एक कंपनी में काम किया लगभग 3-4 साल, और जब लॉकडाउन के टाइम पे सर हमारे जो ग्रेट डायमंड हैं ओम प्रकाश सर, रहूप सर, वर्मा जी, सर लोगों ने बताया, तो उस समय पे मैं एक सोसाइटी में मैनेजर था, ठीक ठाक सैलरी भी थी, लेकिन जब सर ने मुझे बताया, बोले आप सिर्फ मुझे एक महीने का टाइम दो, और मैंने 31 जुलाई को मैं अपना बर्थडे भी मनाता हूँ इसमें कमिंग सून का, क्योंकि 31 जुलाई को मैंने पहला कदम रखा था प्लेटिन पॉइंट के अंदर, और मेरी 31 अगस्त को जो मैंने इनकम निकाली थी वो लगभग 80,000 मेरी इनकम थी, प्लस 1,00,000 का पैकेज ही मैंने उसी से लगाया था। यानी कि मैंने अपनी टीम में, मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि उस टाइम पे हमारे जो लीडर है, मुझे अच्छे से याद है, ओम प्रकाश जी का पर्ल हुआ था मेरी 1,00,000 के पैकेज लगाने पर। वहां पे उस दिन हमने रात में 1 बजे सभी लोगों ने, जितने टॉप लीडर थे सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और उस सेलिब्रेशन को मनाया, तब मुझे यकीन हुआ। उस दिन से मैंने अपनी ब्रांच छोड़ी, सारी चीजें छोड़ी, क्योंकि जब मैंने बनाया हुआ था। तो इसका मेरा विजन ये है कि मुझे अपने लिए काम नहीं करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, और मुझे अब मेरा टारगेट रहता है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, अब मुझे हॉस्पिटल खोलना है, क्योंकि
मैं डॉक्टर बनता तो सिर्फ शायद मेरे परिवार का ही भला होता, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल खोलूंगा एक बहुत बड़ा अपने बुंदेलखंड के अंदर, तो बहुत सारे परिवारों को, लड़कों को, बच्चों को जॉब मिलेगी, लेकिन बहुत सारे गरीब हैं जो मेडिसिन नहीं मिल पाती है, उनको वो मेडिसिन मिलेगी, उनको वो एडुकेशन भी मिलेगी। और मैं जेनरिक मेडिसिन के लिए भी बहुत ज्यादा लगा रहता हूँ, क्योंकि वो बहुत सस्ती मेडिसिन होती है, क्योंकि मेडिकल में सर जो एक रुपए की गोली होती है वो वहाँ 50, यानी कि जो जेनरिक मेडिसिन में एक रुपए की गोली है वो मेडिकल में 50 रुपए 100 रुपए की दी जाती है, जो कि गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मेरा सर भाई यही है कि मैं अपने लिए तो काम नहीं करता हूँ, मेरे कोई ऐसा सपना नहीं है, बस मेरा एक ही सपना है कि मुझे अपने बुंदेलखंड में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, यही मेरा सर सपना है। एक्सलेंट, बहुत बहुत बधाई आपको। ये एक्चुअल जो आपने अभी जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो हम कल से और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप कोई अगर बात को सामने रखते हैं, जैसे कि हमारे बीच में अरुणा पाटिल मैम ने अभी कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, यानी दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। आपने कहा कि दवाई लेने के पैसे घर में नहीं थे, लेकिन आज मैं अपने परिवार के बारे में नहीं, उन समाज के बारे में सोच रहा हूं जिनके पास ये परिस्थिति है, और उनके लिए मैं करना चाहूंगा। तो ये क्लियर कट मैसेज होता है वाई का। वाई का मतलब ये होता है, आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं। जिंदगी में आपको सक्सेस तब तक नहीं मिलने वाला है जब तक आपके सामने वो आपका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, आप किसके लिए कर रहे हो। अगर ये आपने एक बार फाइनल कर दिया, अगर यहाँ पे अरुणा पाटिल मैम ये बोलती है कि नहीं मुझे तो बस घूमने जाना है, गहने खरीदने हैं, एक अच्छा घर खरीदना है, ये आपका कभी वाई नहीं बन सकता, ये आपको जिंदगी में कभी सफलता नहीं दे सकता है। आपका वाई इमोशनल होना चाहिए, तभी जाके वो आपको सफलता दे सकता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को। आपने जो वाई का रीजन दिया है वो बहुत ही पावरफुल है, आपकी मेहनत, ऊपर वाला आपका साथ देगा इसमें, क्योंकि आप समाज के बारे में, समाज के हित के बारे में सोच रहे हैं, और इसलिए शायद ऊपर वाले ने आपको इस प्लेटफॉर्म पे भेजा है, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला किसी ना किसी माध्यम से ही हमें उस मुकाम तक पहुंचाता है। अगर आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक किताब है, आपने अगर पढ़ी नहीं होगी तो आप उसके यूट्यूब के ऊपर ऑडियो सुन सकते हैं हिंदी में। उस किताब के अंदर यही लिखा है कि दुनिया की अगर कोई भी चीज को आप चाहते हो और उसके बारे में बार बार सोचते हो, तो आपको नहीं पता कि वो चीज आपके पास कैसे आएगी, कहां से आएगी, पर उसका रास्ता जरूर आपको मिलना शुरू हो जाता है। और आज जो आपने सपना देखा है कि आपको एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, समाज की मदद करनी है, तो ऊपर वाले ने ये आपको रास्ता दिखा दिया, प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो नेक्स्ट हमारे बीच में अगले स्पीकर है, आरसी लारिया जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, आप सफायर की रैंक पे हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं पेशे से शिक्षक हूँ और 2010 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, और उसमें बहुत अच्छा मुकाम भी था, बहुत अच्छी सैलरी भी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे ये सिखा दिया सर कि जब से अल्टीमा मेरे जीवन में आया है, तो मैं अल्टीमा को खोज रहा था कि क्रिप्टो में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं। सर आज गांव गांव में, हर गांव में मेरी कोशिश है कि एक व्यक्ति हो और मैं उस पूरे गांव को कवर कर सकूं। मैं इस बिजनेस में आया हूं, मैं एक शिक्षक हूं, तो मेरी स्कूल में जो भी गरीब बच्चे हैं उनकी फीस मैं भरूंगा, उनके लिए जितना जो कुछ कर सकता हूं मैं करूंगा, हर गांव में अल्टीमा को लेके जाऊंगा। इसके लिए ना मैं दिन देखता हूं ना रात देखता हूं, जब भी छुट्टी लेने पड़ती है लेता हूं। और ये अल्टीमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिससे दुनिया के हर व्यक्ति का मैं जीवन बदल सकता हूं। लोगों से कहता हूं कि भाई साहब इसको पहचानिए, मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक ऐसी चीज दे के जा रहा हूं जो आपने कभी सोची नहीं होगी, और लोगों का जीवन बदलने के लिए मैं अपना सब कुछ लगाने को तैयार हूं। दिन रात मेरे शिक्षक, मेरे गुरु आदरणीय प्रकाश हैरवा साहब, जो ओम प्रकाश सर की टीम से, घनश्याम सर की टीम से है, लारिया नाम चलना चाहिए सर पूरी दुनिया में, कि लारिया नाम का एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में है जिसने पता नहीं कितने लोगों का जीवन बदला अल्टीमा के माध्यम से, मेरा ये भाई है। एक्सलेंट, आप टीचर हैं? जी सर। टीचर देश का भविष्य होता है, क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथ में होता है, और आपका जो विजन है वो बिल्कुल उस मुकाम के लिए आप काम कर रहे हैं। जी सर। होगा
जी, तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, आपने सफायर का रैंक क्वालिफाई किया है, बहुत ही जल्दी आप रूबी के रैंक पे होंगे सर। दिसंबर में डायमंड, दिसंबर डायमंड, एक्सलेंट। और दिसंबर के पहले, दिसंबर तक कम से कम मेरी टीम में 5 से 7 रूबी प्लस पर्ल और बहुत सारे शानदार शानदार लड़के हैं सर, जिनके पास आज जीवन में कुछ नहीं था लेकिन आज बहुत कुछ है उनके पास। आप बिलीव नहीं करेंगे सर कि मेरे साथ 18, 17, 16 साल के बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। और ये ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये युवाओं का प्रोडक्ट है, अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन हमको ये प्रोडक्ट समझ में आएगा, इस देश के अंदर हम नया इतिहास रच सकते हैं। दुनिया में सबसे पावरफुल अगर यूथ किसी देश में है तो वो एक ही देश है, हिंदुस्तान। और हमने अगर टेक्नोलॉजी को यूथ के साथ कनेक्ट कर दिया और ये प्रोडक्ट अगर हमने यूथ के हाथ में दे दिया जी सर, तो ये हमारा देश आने वाले समय में सोने की चिड़िया बन जाएगा पूरे दुनिया। अल्टीमा का और प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जितने भी क्रिप्टो करेंसी के टोकन आएंगे उसका प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होगा और 200 कंट्री के लोग उसको ट्रेड करेंगे। जी सर, जी सर। सर मैं यहाँ पे लोगों से बोलता हूँ कि काश अगर मैं संजय होता तो भाई मैं तुम्हें दिखा सकता था कि देखो आप एक साल बाद यहाँ से करोड़पति हो। आपने पता नहीं कितने लोगों का जीवन बदल दिया है, ये अल्टीमा मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो कि अल्टीमा में क्या है। दुनिया का ऐसा कोई प्रोडक्ट ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। फैंटास्टिक मैसेज दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में है डायनामिक लीडर सौरभ जी। कहां गए आप? अभी तो मेरे स्क्रीन के सामने थे। हाँ सौरभ जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा भाई तो यही है सर कि मुझे फैमिली के लिए काम करता हूँ सर मैं, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई काम, फैमिली में कोई काम नहीं करता है और पूरा घर मुझे देखना होता है और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई और है ही नहीं सर। मैं 6 महीने पहले जॉब करता था 18,500 रुपए की और 1 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ के पूरा टाइम इस बिजनेस को दिया और रूबी रैंक अचीव किया अभी तक मैंने 8 महीने में। तो आप फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं? फैमिली के लिए सर जो फिर आप बोल, आपने भी कहा था कि वो नहीं, भाई नहीं बनते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा तो ना, क्या होता है कि एक छोटा सा कोई भी काम करके भी तो हम सर्वाइव हो सकते हैं। जी सर। तो एक कहावत भी है ना कि जानवर भी जिंदा रहते कुछ ना कुछ खा के, बराबर। वो तो जिंदगी हमें जीनी नहीं है, तो फिर जानवर पे और इंसान में फर्क क्या है? तो हम अपने परिवार को ऐसा क्या देना चाहते हैं? वो आपका अच्छा लाइफस्टाइल सर। क्यों आज मेरे पास का घर नहीं है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ भाड़े के घर में रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उनको एक बेहतरीन घर दूं, राइट? ऐसा कुछ कोई ना कोई एक हमारा रीजन होना चाहिए कि मैं उनको परिवार को क्या देना चाहता हूँ, उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ। जब तक वो स्टेटमेंट आपका नहीं निकलेगा तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे सीरियसली उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे, राइट सर? तो आप अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं? आपने बता दिया सर, अभी आपने बता दिया सर, वही चीज बोल रहा था मैं कि एक घर शहर में देना चाहता हूँ, बड़े शहर में फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं गांव से निकाल के शहर में। ग्रेट, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए कि आपके परिवार को आप गांव से लेके शहर में लेके आना चाहते, एक बढ़िया घर खरीदना चाहते जिसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और इसी के ऊपर आपको अभी फिक्स होना है कि मुझे किसी भी हालत में, मैं जिस सिटी में अभी हूं या जो भी सिटी में आपने प्लान बना लिया कि मुझे उस सिटी के अंदर एक घर खरीदना है, आप वो घर का एक मकान का आपको एक बोर्ड डिजाइन करना है, एक व्हाइट पेपर बनाना है कि आपके पास 2 BHK का घर होगा, 3 BHK का घर होगा, 4 BHK का घर होगा, 4 BHK होगा तो क्यों होगा, 3 BHK होगा तो क्यों होगा, 2 BHK होगा तो क्यों होगा, वो कितने बजट का होगा, ये सारा आपको तय करना पड़ेगा। उसके पेपर पे कैलकुलेशंस लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपका वाई फिक्स हो जाएगा और फिर उसके लिए आपकी नींद उड़ जाएगी। राइट सर। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, संदीप जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, पल की रैंक पे। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं संदीप पाल हूँ और मैं बुंदेलखंड से हूँ और मेरे पापा श्री घनश्याम पाल है, वो डायमंड है और मेरा सफा है वो 18% रह गया है सर। सर मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और सर मेरी उम्र अभी 20 से 22 साल है और मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा जैसे आगे जा रहा है सर मैं भी आगे जाऊँ और सर इसी राह में चल रहा हूँ सर, सीख रहा हूँ पापा से
आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, शायद एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है या आप कहीं बाहर हैं। हाँ जी हाँ सर आवाज आवाज हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ सर मैं बुंदेलखंड से हूँ, संदीप पाल, और मेरे पिताजी श्री घनश्याम पाल है जो डायमंड हो चुके हैं, और सर मेरा भी सफाई होने वाला है, बस 18% रह गया है सर। मैं साथ में पढ़ाई भी करता हूँ, ये काम भी करता हूँ, तो सर इसी मैं भी सोचता हूँ कि मेरे पापा जैसे आगे बढ़े मैं भी आगे बढ़ूँ और लोगों को भी साथ में लेके चलूँ। सर मैं इसी लाइन में एक लाइन बोलना चाहता हूँ सर, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। क्या सर, बात है, क्या बात है? और आपको सर सुन के सर बहुत मोटिवेट होता हूँ सर, सुबह सुबह से सर मैं डेली अटेंड मीटिंग करता हूँ, और सर जैसे मेरे पापा आगे बढ़ रहे सर, और हमारे ग्रेट अपलानर श्री ओम प्रकाश पाल जो बुंदेलखंड से हैं, और हमारे पिताजी श्री घनश्याम पाल जो डायमंड बन चुके हैं, सर मैं भी सोचता हूँ मैं भी अपने पापा से सीख के आगे बढ़ूं और एक हिस्ट्री क्रिएट करूं सर, और सभी मेरे जैसे युवाओं को मैं सोचता हूँ वो भी आगे बढ़े मेरे साथ और वो भी अच्छे काम करे। एक स्टूडेंट है और पूरी कोशिश कर रहे इस प्लेटफॉर्म पे आके सीखने की, और साथ ही साथ आपने एक अपना गोल बना लिया कि आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे डायमंड बनना है, तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ जब आप डायमंड बनेंगे और डायमंड बनने के बाद जब आप लाखों रुपए के मंथली इनकम पे होंगे तो जिंदगी में कभी आप किसी नौकरी के बारे में नहीं सोचेंगे। यानी देश के अंदर किसी एक कंपनी में, सरकारी हो या प्राइवेट में, एक जॉब जो आपको मिलने वाली थी वो किसी और को मिल सकती है। सर मैं बताऊँ आपको सर, मैं अभी एक साल में गुजरात में गया था सर, मैंने एक कंपनी में काम किया था, वहां सर 8 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद भी 10,000 से 12,000 रुपए मिलते थे। तब मेरे घर वालों ने भी सोचा था तू वहां जाके क्या करेगा, 10-12 हजार में थोड़ी जिंदगी कट जाएगी सर, कुछ ऐसा कर जाना है इस दुनिया में तो सर जो लोग भी सोचेंगे कि हाँ किया है कुछ। तो सर मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर सर, आपका ये सुबह से वेबिनार सुनता हूँ तो बहुत मोटिवेट होता हूँ, और सर मैं बहुत जल्द अपने पापा के साथ जाऊंगा और काम करूंगा और लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को। अभी हम अगले 3 स्पीकर को सुनने वाले, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। 3 स्पीकर पहले से तय है, राम निवास जी है, हरिओम सर है और थॉमस सर है, ये अपना मैसेज देंगे उसके बाद सेशन क्लोज होगा। तो नेक्स्ट स्पीकर है राम निवास जी, आपको अनम्यूट किया जाता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हो सकता है आप ड्राइविंग कर रहे हैं, नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू हो, लेकिन अगर आवाज सही है तो हमें बहुत बेहतरीन मैसेज मिलेगा। क्लियर है सर, क्लियर है, मैं साइड में रोक खड़ी कर देता हूँ गाड़ी को। परफेक्ट, गाड़ी तो खड़ी करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें धन तो कमाना है लेकिन इतना भाग भाग के नहीं कमाना है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल खड़ी है गाड़ी। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राम निवास, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से, और मेरे ख्याल से गलती से आ गया था इस प्लेटफॉर्म पर, और गलती से लाने वाले शख्सियत को मैं मतलब भगवान का दर्जा देता हूँ आज। गोविंद जी चोइल जो हमारे हिमाचल से है, और उसके बाद में इंद्रपाल जी जो मुझे बाय द वे आप यस सर, ललित सर, सबकी आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, वो आप ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें मैं आ गया था गलती से, छोड़ने के लिए आया था, वो प्लानिंग के तहत लेके गए थे मुझे, बोले छोड़ने के लिए जाओ, और मैं वहां पर 1 घंटा बैठ गया था। उसके बाद में जब सिस्टम को समझा, और सबसे बड़ी बात है कि आपके विश्वास को देखा, मेरे को उस टाइम में कंपनी इतनी समझ में नहीं आई, टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई, मैंने आप सबका विश्वास देखा। उसके बाद में जो ललित सर जब प्लान दे रहे थे तो उनके जो नेचुरलिटी उनके बहुत शब्दों में आ रही थी, तो वहां पर मुझे ऐसा फील हुआ कि वास्तव में यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है वो अलग कर सके। हर्षित त्यागी जी को सुना, उस टाइम में वो 22-23 साल के थे, 24 साल के आदमी, अगर 17-17 साल के आदमी वहां पर 1-1 करोड़ रुपए की अगर अर्निंग कर रहे, तो मैंने भी सोचा कि इसके ऊपर हमारा मतलब बहुत बड़ा भविष्य बदल सकता है, मेरा तो बदलेगा लेकिन उसके बाद में लोगों का बदल सकता। उससे पहले सर मैंने बहुत काम किए, यहाँ गुजरात में जॉब करी, उसके बाद में हिमाचल में बिजनेस किया, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा इनकम नहीं कर पाया, यानी इनकम करी तो भी वापिस चली गई। तो सर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा एक डिप्रेशन में चला गया था 2015 के अंदर, क्योंकि मैं कर्जे में हो गया था, मैंने फैक्ट्री डाली थी, वहां पर बहुत बड़ा लॉस हुआ था मुझे, 2.5 करोड़ का हुआ था, तो मेरी संपत्ति तो गई और 80 लाख का कर्जा हो गया था, वो चुका रहा था मैं धीरे धीरे। तो घर में क्या थोड़ा मौसी का वो हो जाता है एकदम से, क्योंकि जब कर्जा होता है एकदम से तो हम डिप्रेशन में चले जाते और वहां पर बैठ जाते। तो अगल बगल वाले बोलते, जब मेरी कारें बिकी, दो मेरे गाड़ियां थी, मेरा फ्लैट बिका,
तो मेरे पड़ोसी या जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल क्लोज वाले, वो लोग ऐसे बोलते थे कि देखो उड़ते थे लोग, बड़े बड़े उड़ते थे, दो दो गाड़ियां थी, फ्लैट ले रहे, ये ले रहे, वो ले रहे, आज कहां गए वो, आज रोड पे आ गए, छोड़ के आना पड़ेगा उसको। तो जब मैं अल्टीमा में आया, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यश सर के, ललित सर के बहुत ज्यादा टच में रहा। मैं यश सर से कम मैंने सफाई करी, उससे पहले मैं कम से कम 10 बार मिल चुका था, और ललित सर तो मैं क्या बताऊं सर, मेरे लिए तो दूत बन के आए वो मुझे दे ली, उन्होंने मुझे 1 घंटा देते थे कॉल के ऊपर, रामनिवास ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो सर मेरा वाई क्लियर तब हो गया जब सफाई रैंक के बाद में जब मैं घर वालों को पैसे देने लगा, और वहां लोगों का जब अच्छा मैसेज जाने लगा बाजार में, और मेरे पापा की आंखों में चमक देखी मैं सर। आप म्यूट हो गए, 1 मिनट। जब मेरे पापा की आंखों में चमक देखी, मेरी माँ को लोग ताना मारते थे, उस माँ के जब आंखों में विश्वास देखा, उस टाइम से मेरा वाई क्लियर हो गया था। क्या मेरा वाई क्लियर है? मैं मेरे लिए तो करूंगा ही, मेरे परिवार के लिए करूंगा, लेकिन आज सर हजारों लोगों के लिए, जो बाहुबली के अंदर एक आया था ना कि मौत मौत कर रहे थे, तो बाहुबली बोल रहे थे कि मेरे साथ लड़ेगा कौन, मेरे साथ चलेगा कौन, मेरे साथ अमर होगा कौन। तो सर अमर कोई जिंदा रह के नहीं होता, अमर लोगों के दिलों में होते हैं। आज सर यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पर 50-60 ऐसे लीडर है जो पीएलसी अल्टीमा में जो दिन रात एक करते हैं अपनी टीम के लिए, सर वो हकीकत में अमर हो चुके हैं उनके दिलों के लिए। वो उनका लाइफ, वो कितनी लॉन्ग जिए, भगवान उनको 200 साल उम्र करे, 1000 साल करे, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए अमर हो चुके हैं उनके दिलों में, हमारे दिलों में अमर हो चुके हैं। तो यहाँ पर लोगों का भविष्य बदलेगा। अब मुझे मेरे लिए नहीं करना, मेरी टीम के लिए करना है। जो मेरे साथ खड़ा है मैं दिल से उसके साथ में खड़ा हूँ। आज सर घर के अंदर अगर बच्चे बोले ना मोबाइल लेना है, तो हम पूछते कौन सा लेना है, ये नहीं पूछते कि मैं 5000 का उठा के ला के दे दूं, नहीं, कौन सा मुझे, मैं इतनी माइंड रखता हूँ कि वो आईफोन बोलेगा, कोई बात नहीं आईफोन ला के देंगे। सर गाड़ियां बिकी आज उससे बड़ी गाड़ी है, जब मेरी वरना बिकी, i20 बिकी आज उससे डबल गाड़ी आ गई, हैरियर आ गई। सर कल को मैं सुपर कार लेके आऊंगा, आज तो ये हैरियर लोगों के दिलों में चल रही है, वो कल को फिर अंदर घुसेगी। सर जो लोग कभी फोन नहीं हमारा नहीं उठाते थे, आज हमारे पास उनका, उनके पास टाइम नहीं है उनका फोन उठाने के लिए, हमारे पास में टाइम नहीं। तो लाइफ को जीनी है, तो हमारा पूरा का पूरा एक चीज, पिछले 1 साल में मैंने एक चीज दी, जो माइंड में सोचते वो हो जाती है। ये ना हमारी सोच के ऊपर ही हमारी अमीरी और गरीबी लिखी हुई है, जो भी हम सोचते वो होता ही होता है। सर मैं थोड़ा थोड़ा फरवरी से पहले थोड़ा थोड़ा काम करता था, लेकिन 28 जनवरी को यश सर ने मुझे सुबह मीटिंग में पूछा, रामनिवास जी आप डायमंड कब बन रहे हो? और सर मेरी 15 अप्रैल को मेरी गुड़िया का जन्मदिन था, और उसने एक बार गलती से बोला पापा आप डायमंड कब बनोगे? मैं बोला जून जुलाई अगस्त में बन जाऊंगा, 1 साल में तो बन ही जाऊंगा। तो बोला पापा मेरे जन्मदिन पर होंगे, आज डायमंड बनो तो दोनों सेलिब्रेशन करेंगे, कितना अच्छा होगा। एक तो वो हो गया, दूसरा सर यश सर ने बोल दिया कब बनोगे, मैंने गलती से बोल दिया ये जून जुलाई बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा, मैंने बोला सर 15 अप्रैल। तो मैं बैठता था जनरल स्टोर पे, 15 अप्रैल के लिए 2.5 महीना बचा था मेरे पास। तो 1 फरवरी को मैंने हिमाचल छोड़ दिया सर, मैं बोला जगह बदलो जिंदगी बदल जाएगी, जिस एरिया में आप हो वहां पर आप लोग पहचानते हैं, आपको उसी नजर से देखते हैं। वहां से जगह बदली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, जितना मैंने ट्रेवल किया सर। 1 अप्रैल को मेरे पास में 52 लेख का बिजनेस बाकी था, ये देखे मेरा एक विजन जो एमराल्ड से कैसे वहां पर पहुंचा, एमराल्ड से पहले से जो भी से। तो 52 लाख का अप्रैल तो मैंने दिन रात एक कर दिया, और 15 तारीख को शाम को 9 बजे, उससे पहले मैंने मेरी टीम वाले DJ वगैरह खाने का प्रोग्राम कर लिया था, कि मैंने बोला था कि 15 तारीख को मैं बढ़ूंगा। 15 तारीख को 9 बजे सर आपके आशीर्वाद से, मेरी सीनियर अपलायंट ललित सर के आशीर्वाद से, इंद्रपाल जी के आशीर्वाद से, सब मेरे जितने भी सीनियर सबका नाम नहीं ले पाऊंगा सॉरी, उनके आशीर्वाद से मैं रात को 9 बजे डायमंड बन गया था। और ये ना जो सपना सोचा उससे पहले अचीव हुआ, जो देखा वो सपना अचीव हुआ। तो यहाँ अपन को देखना है, आपको अगल बगल को नहीं देखना, आपके रोल मॉडल होने चाहिए, वो कितने भी हो सकते हैं, आपके 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। सर मेरे रोल मॉडल यहाँ पर PLCL टीम में 2 है, सबसे पहले ललित सर है, दूसरे यश सर है। मैं उनका विश्वास देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं, मेरे लिए 2 रोल मॉडल, मैं 3 आदमी को देखता ही नहीं हूँ। वो क्या कर रहा है, वो घर में बैठ रहा है, वो कैसी नेगेटिव बातें कर रहा है, मुझे देखना ही नहीं उसके ऊपर। सर आज ये है कि अगर लोग के अगर आपकी मेहनत है आदत बन जाए तो आपकी जो कामयाबी है वो दासी बन जाती है। सर मैं घर में रह नहीं सकता, 1 मिनट
मैं घर में दो महीने में तीन दिन पांच दिन जा सकता हूँ। मैं रात को अजमेर कल दोपहर को मैं 12 बजे पहुंचा था, मैं उधर साउथ से आया था पूरा 12 बजे से, 1 घंटे का रास्ता मेरा घर का, लेकिन मैं रात को 12 बजे पहुंचा दिन की जगह। और कल मैं नया भी नहीं था सर, क्योंकि मैं बोला घर जाके नहाऊंगा, लेकिन मीटिंग करते करते मुझे रात की 12 बज गई थी। और आज सुबह मैं 7 बजे किशनगढ़ के लिए मेरे घर से निकल गया। तो सर काम तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, मेहनत के बिना कुछ भी बड़ा अचीवमेंट होगा नहीं। आप अगल बगल वालों को देखोगे कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा वाई क्लियर है सर, जब तक मैं हूँ ये प्लेटिन वर्ल्ड है, मेरा एक ही वाई है ये PLGLTMA प्लेटिन वर्ल्ड। तो थैंक यू सर। एक्सलेंट एक्सलेंट, बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया है कि उन्होंने जब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तो उन्होंने अपने हिसाब से सोचा कि चलो जून जुलाई तक तो डायमंड बन ही जाऊंगा। जब बेटी ने बोल दिया कि आपको ये तारीख को बनना है तो वो एक्चुअल वाई है। तो हर किसी को ये वाई को पकड़ना बहुत जरूरी है आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए। आप एक वाई ढूंढ लो कल और उसके ऊपर काम करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अभी तक जो आपने काम किया है चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, जैसा चल रहा वैसा चलने दो, लेकिन आपको यहां से चेंज होना है। आपका एक वाई ढूंढना है, वो इमोशनल होना चाहिए, कोई एक घर का बंदा होना चाहिए, कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको मजबूर करे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो नेक्स्ट स्पीकर हमारे बीच में हरिओम शरण सर, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देना है, लंबा मैसेज नहीं देना क्योंकि अभी हमारे पास समय की कमी है। उसके बाद थॉमस सर आएंगे और उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज बहुत अच्छा लग रहा सर, दो रोज से अब लग रहा है कि वास्तव में आप एक अच्छा फौज तैयार कर रहे हैं। ये वो फौज है सर कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा। क्योंकि ये ड्रीम के बारे में मैं 2003 से ही इस पे प्रैक्टिकली अनुभव किया है। 2003 से ही मैंने लिखा था, आज एक एक करके सारे ड्रीम पूरा हुआ है। और आगे का जो ड्रीम है, आगे का मेरा ड्रीम है प्लेटिनम डैम वर्ल्ड से 2025 तक मुझे 101 डायमंड बनाना है। और मुझे एक राइटर बनने का बहुत दिन से शौक था, वो अभी मेरा ड्रीम है, एक लास्ट ड्रीम। मैं एक राइटर बनूंगा और वो 101 डायमंड जो बनेगा सर, वो सारे डायमंड का टेस्टिमोनियल उसमें होगा, 115 पेज का वो बुक होगा, 101 डायमंड का होगा, जिसके पीछे उनका हिस्ट्री होगा कि वो किस तरह से किस बैकग्राउंड से आया था और आज क्या पाया, और उनके रंगीन फैमिली के साथ उस फोटो भी होगा उस बुक में। और 15 पेज में हमारा कुछ कहानी होगा। और खास करके सर आज जो आप ये सेशन कर रहे हैं, जिस तरह से सभी लोगों का ड्रीम क्लियर करवा रहे हैं, इसका जो बेनिफिट होगा सर आने वाला समय में, और इसके पीछे मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ, ये सारे लोग कितने कीमती हो रहे हैं। क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और उसका ही मैं उदाहरण लेना चाहूंगा। कुछ व्यक्ति गए हमारे जैसे आपके जैसे गणेश भगवान का मूर्ति खरीदने के, तो एक लाइन में 3 मूर्तियां थी और तीनों मूर्ति का रेट अलग अलग था, कलर पिक्चर सब की बराबर था लेकिन रेट अलग अलग था, तीनों का प्राइस अलग अलग था। एक मूर्ति का कीमत था 1 लाख रुपया, एक मूर्ति का कीमत था 2 लाख रुपया और एक मूर्ति का कीमत था 5 लाख रुपया। वो खरीदने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो गया कि आखिर सब चीज तो सेम है तीनों मूर्ति में, लेकिन रेट में फर्क क्यों है। तो उन्होंने चारों तरफ से घूम फिर करके देखा कि आखिर मूर्ति में अंतर क्या है कि एक मूर्ति का 1 लाख रुपया है, एक मूर्ति का 2 लाख रुपया, एक मूर्ति का 5 लाख रुपया। वो व्यक्ति दिमाग लगाते लगाते थक गया, उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने देखा कि अच्छा कुछ प्रयास करता हूं, क्योंकि उसके कान जो था, कान के अंदर एक छेद था। उन्होंने एक लकड़ी, छोटा सा पतला लकड़ी लिया और कान के अंदर में डाला, एक कान में जैसे डाला तो दूसरे कान से निकल गया, फिर दूसरे मूर्ति के अंदर डाला, एक कान से डाला तो उस बिल्कुल पेट के अंदर चला गया, और तीसरे मूर्ति के अंदर जब डाला तो कान से डाला तो मुंह से निकल गया।
उन्होंने समझ गया, ओ हो ये फर्क है। तीसरा मूर्ति जो था सर, जिनके कान से निकला और कान से डाला और मुंह से निकला, उस मूर्ति का कीमत था 5 लाख रुपया। और पहला मूर्ति जो था, इस कान से डाला उस कान से निकल गया, उसका था 1 लाख। दूसरा मूर्ति का कीमत था जो कान से डाला और पेट में अंदर गया, उसका 2 लाख। और तीसरा मूर्ति का कीमत था जो 5 लाख, उसके कान से डाला और मुंह से निकल गया। मतलब कहने का अर्थ ये है सर, ये लीडर मैक बिजनेस बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग को। जो व्यक्ति इस कान से सुनता है, उस कान से निकलता है, निकाल देता है, उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है। वो लाख प्रयास करते रहे, वो बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएगा। कुछ लोग होते हैं कान से सुनते हैं, मन में रख लेते हैं, चलो मुझे किसी को बताना नहीं है, चलो मैं ज्ञान का भंडार बन रहा हूं, मुझे सब चीज पता है। वो मार्केट में भी जाएगा तो कहेगा मुझे सब चीज पता है, सही में पता है, वो झूठ नहीं बोलता है क्योंकि उन्होंने कई जगह से सुना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कान से सुनते हैं, उस विचार को जब वो नॉलेज बनता है, जैसे आज थॉमस सर है, आप हैं, बहुत सारे सारे लीडर को मैं सुनता हूं। मैं एक स्टूडेंट बन के आता हूं क्योंकि मुझे एक राइटर बनना है, तो मैं बहुत सुनता हूं और बहुत कुछ सीखता हूं। इसीलिए मैं अपना एक सेशन भी चला रहा हूं मनी एजुकेशन का, लोगों को समझा रहा हूं कि पैसे को किस तरह से, यहां से जो सीखा है मैं, कि अपने पैसे को कहां इन्वेस्टमेंट करना है, कहां नहीं करना है, वो अवेयरनेस देता हूं मैं समाज को। और ये एजुकेशन चलता रहेगा लगातार जब तक मैं जिंदा रहूंगा। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बस सर यही मैं बता रहा हूं कि जितने लोग यहाँ पे जो अपना ड्रीम बनाए हैं, उस ड्रीम को कायम रखे, चूंकि सपने चुराने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, उससे बच के रहना है। और यस सर, आपसे मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपना ड्रीम बोला है, उनके ड्रीम और उनका नाम आप नोट करके रखिएगा। उससे क्या फायदा होगा, उनका तो बहुत भला होगा, और खास करके वो जो लोग जब सफल होगा तो पूरे दुनिया में जब भारत का नाम रोशन होगा, अपना नाम डिक्लेयर करेगा, तो उसके पीछे एक बात तो बोलना ही पड़ेगा लोगों को। आज जो भी मेरा ये कामयाबी है, उसके पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, वो है यस सर। बस थैंक यू सर, मेरा ये बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया आपने कि एक लीडरशिप के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हम बहुत सारी मोटिवेशन तो सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देते हैं। हम मोटिवेशन सुनते हैं, कान से सुनते हैं, पेट में चला जाता है, पेट के बाद फिर पता है कल दूसरे दिन कहां चला जाता है वो, राइट। अगर जो आप सुनते और आपके मुंह से निकलता है, इसका मतलब आपने जो सुना वो किसी और को भी सिखाया आपने, तो ये बहुत ही पावरफुल स्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बेहतरीन स्किल को आपने यहाँ पे मैसेज के थ्रू देने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, संजू थॉमस सर का लास्ट 2 मिनट का टाइम लेते हैं, उनका वाई क्यों क्लियर है, वो क्यों आए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद कोई टेक्निकल इश्यू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, परफेक्ट। म्यूट करके रखता हूं मैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, और गणेश चतुर्थी पे सबको मुबारकबाद। और आज का दिन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और आज शुभ है, गणेश जी के साथ हम हर काम की शुरुआत करते हैं। तो गणेश जी को आप अपना जो भी आइडल मानते हैं, भगवान मानते हैं, आज अपने लिए काम करें, अपने लिए आज काम करें। दुनिया के लिए काम करते हैं लोग, लेकिन आज अपने लिए काम करें, अपने वाई के लिए काम करें। मैं एक ही बात कहूँगा सर, अंग्रेजी में या हमारे जो हम सीख के आए हैं कि 5 W's है लाइफ के अंदर। अगर 5 W's क्लियर है तो हाउ अपने आप हो जाता है क्लियर। उसमें से वाई एक मेजर वो है, When, where, whom, what, why, ये इंपॉर्टेंट है। 5वां हिस्सा है why। अगर when, whom, ये इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। तो आज का मेरा जो कोट था सर, why ये है, why मेरे लिए तो एक ड्रीम था, जो मैंने ड्रीम्स के अंदर सोचा था वो मुझे यहाँ मिल सकता था, और वो उस why को मैंने पकड़ लिया, समझ लिया, और मैं why के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जो ड्रीम को बोलता हूँ वो क्या है, ड्रीम फॉर मिनट, वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ यूर टाइम टू प्रूव यू आर नॉट ड्रीमिंग। सपना ऐसा देखो, 1 मिनट के लिए देखो चाहे 5 मिनट के लिए देखो,
पूरी जिंदगी या पूरा कुछ टाइम निकाल के उस ड्रीम के लिए काम करो और ऐसा हो जाओ कि लगे ही ना कि आपने कोई सपना देखा है, ये सब रियल है। बस यही मैं ये मीटिंग का यही सेशन इसलिए क्लोज करना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। सबको बेस्ट ऑफ लक, आज अपने लिए काम करें। अगर एक एक फॉर्म भी सारी कम्युनिटी यहाँ से ले लेगी तो बहुत बड़ा टर्नओवर हो जाएगा और यही डुप्लीकेट करना सबको। आज किसी के पीछे मत भागो, जस्ट फोन कॉल पे बोलो सर आखिरी वार्निंग है और इसके बाद ये खूबसूरत माहौल, ये प्रोडक्ट, ये कंसेप्ट आपको मिलने वाला नहीं है। इससे बेटर आ सकता है, इससे वर्स आ सकता है, लेकिन आज जो मिल सकता है इसके अलावा कभी भी नहीं मिलेगा, जीवन में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आज एक बार अपने लिए 10 मिनट सोच के फॉर्म में काम करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे सर। साथ हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। हम सबको एक शपथ लेनी है कि आज मैं एक सीड लगाऊंगा जो पेड़ बनेगा, पूरे साल भर फल देगा। तो हर किसी को एक फार्म खरीदना है छोटा से छोटा, और हमारे नियर एंड डियर पूरी कोशिश कर सकते हैं फोन कॉल करके कि आप एक छोटा से छोटा फार्म खरीदी करो। पूरे कम्युनिटी को कॉल करो, आप भागो मत मार्केट में, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। 50-50, 100-100 लोगों को आप फोन कर लो, उनको कन्विंस करो और उनको बोलो आपके पास ऑलरेडी कॉइन है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्कैन करना है और नया फार्म परचेस करना है। तो पूरी कम्युनिटी दोबारा आज एक फार्म खरीदी करेगी तो अगले 12 महीने उनके पास एक इनकम का सोर्स बनेगा और ये पॉसिबल है सिर्फ फोन कॉल से। तो आप ज्यादा लोगों को कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए या उनको जाके मिलने की कोशिश मत कीजिए, फोन पे सबसे बात करके उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश कीजिए। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल मॉर्निंग में सेशन नहीं होगा, परसों सुबह मिलेंगे।